यस वी आर लाइव नाउ, जस्ट अ सेकंड, कंफर्म कर लेते हैं एक बार। देख लीजिए ऑडियो एंड वीडियोस क्लियर। एक बार बात कर लेते हैं, देखते हैं। यस इट्स लाइव नाउ सर। यस वी आर लाइव नाउ। तो जयहिंद एवरीवन, फाइनली आपका आज जिस दिन का इंतजार था वो आ गया, एंड आपने वो स्टेज पार भी कर ली है अभी। अब बस ये एक समस्या है कि एक्चुअल में आपके क्या मार्क्स बन रहे हैं, कैसा पेपर आया। क्योंकि देखो, इजी, टफ, मॉडरेट उस टाइम समझ नहीं आता, उस टाइम सब कुछ टफ लगता है, बिकॉज हमें पता नहीं होता है कि यार एक्चुअल में क्या पूछ रहा है क्या नहीं। नर्वसनेस हमारे ऊपर हाई हावी होती है और हम उस टाइम डिसाइड नहीं कर पाते, तो इजी चीजें कई बार गलत हो जाती है। ये बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ आज हुए सीएपीएफ एग्जामिनेशन की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। जिसने जितनी प्रिपरेशन की होगी उसका उसे उसको जस्टिफाई करना होगा आज, और उन्होंने किया भी होगा, चाहे पेपर वन हो या पेपर टू हो, ठीक है। तो आई वेलकम यू ऑल टू सीएपीएफ एसी मेंटोर्स, एंड इस लाइव स्ट्रीम में, लाइव सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आंसर की फॉर सीएपीएफ एसी पेपर वन। ये होगा सेट डी, ठीक है। आपको कोई भी इश्यूज लगे कमेंट्स में, मैं अवेलेबल रहूंगा। वी हैव विद अस निशांत भारद्वाज सर, जिन्होंने बहुत हेल्प की है इस आंसर की को फ्रेम करने में, एंड मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बट ऑलमोस्ट 10 से 12 सिलेक्टेड असिस्टेंट कमांडेंट, जिनका बहुत अच्छा स्कोर था और हमारी टीम का इंटीग्रल पार्ट है, उन्होंने बहुत मेहनत की है इसको बनाने के लिए, और हमने कोशिश की कि जो टाइम हमने प्रॉमिस किया 5 साढ़े 5 तक आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी जाए। जैसा मैंने पहले बताया, ये सेट डी है और इसके लिए बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे, और डिटेल्ड जो पीडीएफ होगा आंसर की का वो बाद में आएगा, इससे हम शॉर्ट में निपटाएंगे और देखते हैं कैसा रहता है सेशन। तो निशांत सर, कैसा लगा आपको, आपने पेपर देगा, और डिस्कस कर लेते हैं बात पेपर के बारे में। और हाँ, इसमें हम यस पेपर सर। की कट ऑफ बाकी एनालिसिस भी करेंगे साथ में, ताकि एक एक्सपेक्टेड रेंज मिल जाए कि किन किन को फिजिकल्स की तैयारी शुरू करनी चाहिए। यस ओवर टू सर यस निशांत। सर यस सर। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। और सर पेपर देखा मैंने, पेपर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा मुझे डर लग रहा था कि एक ये जी पिछले 4-5 एग्जाम में जो यूपीएससी ने सरप्राइज दिया है कुछ ऐसा ना कर दे इस बार सीएपीएफ वालों के साथ भी, तो काफी अच्छा किया है बच्चों के साथ। और पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो पेपर भी काफी इजी ही कहेंगे सर पिछले साल के कंपैरिजन में। जैसे कि पिछले साल आपने देखा होगा कि डिफेंस इक्विपमेंट्स फॉरेन के पूछ लिए गए थे, इस बार ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल। करा है, डिफेंस केवल एक क्वेश्चन पूछा गया है। इकोनॉमिक्स का मैंने क्लास में चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि आपसे 7 से 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, एग्जैक्ट उतना ही नंबर है। और सर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वेग स्टेटमेंट्स नहीं है। आईक्यू चेक किया गया बच्चों का क्वेश्चन में, कि जैसे कि एक क्वेश्चन अर्थशास्त्र के ऊपर आया है इसमें, तो अर्थशास्त्र तो किसी ने नहीं पढ़ी सर, ठीक है मैंने पूरा यूपीएससी का सिलेबस चार्ट रखा है पर कोई नहीं पढ़ता, स्टिल अर्थशास्त्र के बारे में क्वेश्चन है। और सर इसमें एक क्वेश्चन कुछ ऐसा भी है जिसमें मुझे डाउट है, अपने पास सेट डी है, सेट डी में एक क्वेश्चन नंबर 20 है सर, ठीक है उसमें कुछ मेरे हिसाब से आंसर जीरो कुछ आना चाहिए, बट ठीक है मैं वो कोई ड्रॉप एक्सपर्ट भी नहीं हो हूँ। सकता है। हाँ, हाँ डिस्कस करते हैं उसको। डिस्कस करते हैं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ फिजिक्स में, लेकिन ठीक है मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। बाकी कोई अगर फिजिक्स का एक्सपर्ट आके बोलता ही ये है तो फिर आई डोंट नो, बट आई थिंक कि वो शायद ड्रॉप होगा इस साल में। बट ओवरऑल पेपर इज इजी एज कम्पेयर टू द ईयर 2022 प्रीवियस। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, राइट राइट राइट। अच्छा, अभी भी हाँ कैंडिडेट्स बाहर निकल रहे होंगे तो बहुत से लोग थोड़ा लेट जुड़ेंगे, बट ठीक है, वो हाँ इसे बाद में भी देख सकते हैं बैक करके। तो हम बिल्कुल लोग ज्यादा, मतलब एंग्जाइटी ना बढ़ाते हुए, नर्वसनेस ना बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, करीबन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछे गए जो हर बार, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट होता ही है, टीडीएस, हाँ एनडीए या सीएपीएफ में किसी ना किसी में। और एक क्वेश्चन ऐसा है जो हम डिस्कस करेंगे, जो ये बेजल रोटरडम ये कन्वेंशन है, बहुत बार उसमें रिपीट हुआ है सर ये। वो प्लस उससे एक क्वेश्चन और बन रहा है इस बार सेम, मतलब अगर आपको वो आता है तो एक क्वेश्चन और है उसमें डायरेक्टली पूछ लिया है, आई थिंक 70 एंड 75 हम डिस्कस करेंगे। अभी मतलब अगर देखते हैं सर आपको उसको। आता हाँ भी है ना, तो आप दो क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन से आपके एक छोटी सी उससे 4 नंबर आपके वैसे बन गए, ठीक है। डीप में नहीं पूछा है डिफेंस वगैरह के बारे में, और कट ऑफ वगैरह की बात लास्ट में कर लेंगे। और पेपर टू ठीक मैंने है देखा, पेपर टू में तो निशांत, यू वॉन्ट बिलीव कि नहीं किया है पेपर टू में, तो ये मान लो कि ऑलमोस्ट हर चीज हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह से डायरेक्टली पिक, ऐसा कुछ जनरल का कॉल आया था भी आपके सामने,
ही इज वेरी हैप्पी बिकॉज वो पेपर टू वही देखते हैं हमारे यहाँ पे, वो हाँ बहुत ज्यादा मतलब खुशी का तो उनका लहर। सर, हाँ यही तो आपकी स्पेशलिटी है, तभी तो बच्चे आपको प्यार करते हैं, बस तभी तो यार कोशिश सीएपीएफ एसी मेंटर्स हैं। कोशिश करते हैं यार बस हम लोग और है ना सर ऐसे जिस टीम थोड़ा में सारे के सारे एसी हो, डीसी सा। बस हो, बस 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 वो बस टीम ये तो सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ है ना। हम लोग थोड़ा सा इसलिए भी लंबा खींच रहे हैं कि यार बाकी लोग भी जुड़ जाएं, कई लोग लेट हो जाते हैं सेंटर से बाहर निकलने सर के लिए। क्वेश्चंस तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्ट्रेट साइंस के तो डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे, कहीं बाहर जाना ही नहीं है। सही अगर बात है किसी ने सही सारांश फॉलो करी होगी तो आपको बात। लगभग हाँ 8 से 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, यस 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 और क्लास नोट्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन, और एनसीईआरटी इससे ऊपर जाना ही नहीं है। सही बात है सही बात है खत्म। इस साल इसने जितना इतना पढ़ लिया होगा वो इस बार फिजिकल दे रहा है और इंटरव्यू जा रहा है। सही बात है सही बात है। चलो ठीक है, आई थिंक हमें अभी शुरू कर देना चाहिए। अभी एक बार इससे आइडिया लग जाएगा हमें कि कौन कहाँ स्टैंड करता है और कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, हम इस बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो बिल्कुल ये सर, है हमारे पास सेट डी, एंड जैसा कि हमें पता है कि साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो इस बार भी किया। मुझे थोड़ा सा बिल्कुल साइंस के कई क्वेश्चन थोड़े से मतलब मॉडरेट टू हायर लेवल पे लगे, आपको बहुत अच्छी सॉल्व उन्होंने करने थे ना सॉल्व सर वो। करने थे, वो प्रॉब्लम थी नॉर्मली ऐसे हाँ आते नहीं है राइट। एक क्वेश्चन तो सर केमिस्ट्री का था, रिडॉक्स रिएक्शन का, वो सर रिपीट हुआ है इस बार, हाँ पहले पहले भी आ चुका है, ठीक है और ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी रिपीट हुए थे। इकोनॉमिक्स और के भी जैसे कि आए सर हैं। सर स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन ही एकदम सिंपल, स्टार्ट किया जाए ठीक है स्टार्ट एकदम करते हैं। एकदम एनसीईआरटी में एज इट इज, ये जो होती है ना साइंस के एक्सपेरिमेंट वाले बॉक्स में बना देते हैं एनसीईआरटी में एक्टिविटीज में, बिल्कुल सर वहां से क्वेश्चन उठाया हुआ है ये। द मैथड इन ठीक यूज इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिसेसिबल लिक्विड्स हैविंग सफिशियंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज। फिजिक्स केमिस्ट्री लैब में, केमिस्ट्री लैब में घुसते ही सबसे पहले आपको ये जो इक्विपमेंट दिखता है ना, वो डिस्टिलेशन का इक्विपमेंट दिखता है, और इसका आंसर जिसने भी ये लगाया है एकदम सही लगाया है। द आंसर इज डी, सिंपल डिस्टिलेशन। दूसरा सर अगेन यस एनसीईआरटी से क्वेश्चन है सर ये, विच वन ऑफ द सिंपल फॉलोइंग डिस्टिलेशन। स्टेटमेंट इज करेक्ट? एलॉयज आर मिक्सचर, एलॉयज आर कंपाउंड्स, एलॉयज आर ऑलवेज मेड ऑफ मेटल्स। अगर सर किसी को नॉलेज नहीं भी होगी ना तो थर्ड स्टेटमेंट तो इजीली एलिमिनेट कर सकता है, बट जिसने भी ये क्वेश्चन का मार्क किया है आंसर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज अलॉयज आर द मिक्सचर्स। ये कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट दिया गया है नीचे वाला, ये सेकंड नंबर में जो है, बट ऐसा नहीं होता है। थर्ड पॉइंट ऑलवेज की वजह से हमेशा गलत है, और कार्बन का कोई मतलब ही नहीं, सारे कंपाउंड्स कैसे हो सकते हैं। थर्ड राइट 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 क्वेश्चन सर कितना अच्छा, मतलब जब मैंने पहली बार 9th की एनसीईआरटी पढ़ी थी ना, उसमें टीचर ने बताया था, एक फुटबॉल लाके दिखाई थी कि ये देखो ये हाँ बकमलिट्स फुलेरीन है, ग्रेफाइट ऐसी होती है, वैसे वाले ये सारे कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट फुलेरीन बिल्कुल डायमंड एंड ग्राफीन। सो द आंसर इज डी, कार्बन। क्वेश्चन थर्ड का आंसर डी है, कार्बन। वेरी इजी सर पेपर, मतलब ये सेक्शन तो थोड़ा इजी लगा, लेकिन थोड़े थोड़े लेवल बढ़ा रहे हैं ये, आगे आगे जाके बढ़ेगा ना सही बात है। बढ़ाएंगे अभी। द गैस जनरेटेड ऑन रिएक्टिंग जिंक विद डाइल्यूट H2SO4, कौन सी गैस निकलती है? सर सिंपल से, इसमें केवल हाइड्रोजन बाहर निकल के आएगा अपना। तो आंसर जिसने भी लगाया एकदम सही लगाया है, हाइड्रोजन इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ का। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 भी जिसने भी लगाया है ये बड़ा ही लकी बंदा है सर, इसके बारे में पता करो कौन है, सारे सही लगाए हैं इसने। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन, द सॉल्ट इज नन अदर देन सोडियम क्लोराइड। आंसर इज ऑप्शन सोडियम ए। क्लोराइड ऑप्शन ए इज आंसर। यस यस सर, आपकी वीडियो हाइड हो गई, एम आई नहीं विजिबल टू कोई यू? बात नहीं कोई बात नहीं, यू आर विजिबल, ओके ओके, बता देना सर अगर लाइव स्ट्रीम में कुछ ऊपर कोई नीचे इशू हो नहीं, जाए एवरीथिंग तो। इज फाइन। ओके सर, ओके सर। फिर सर क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें सर कुछ इश्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज नॉट एसोसिएटेड विद द पब्लिक सर्विस? आप इसमें एचिसन कमीशन, आइलिंगटन कमीशन, ली कमीशन, ये सारी एक जैसी ही हैं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए डी, राधा कृष्णन कमीशन। यस यस इसका आंसर क्लियरली राधा कृष्णा कमीशन है क्योंकि जब मैंने भी बिकॉज अपने खुद पढ़ रहा था जब मैं, और मैंने जब नोट्स बनाए थे तब मैंने एक साथ लिखा था इन तीनों को, ये तीनों सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से रिलेटेड बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो आंसर इसका डी, तो राधा कृष्णन जिसको कमीशन। थोड़ा बहुत भी एलिमिनेशन आता होगा वो इजिली कर लेगा। ये हाँ राधा कृष्णा कमीशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये यस इसके यस यस, एजुकेशन इट वाज कमीशन के यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी कमीशन, रिफॉर्म कमीशन थी। यस ठीक है सर, अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। कितना इजी सर, अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा होगा, किसी ने लुसेंट भी चलते फिरते देख ली होगी ना एक पेज, तब भी उसको इसका आंसर पता होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज लोकहितवादी, एंड द आंसर इज वेरी सिंपल वेरी क्लियर, इज बी गोपाल हरि देशमुख। यस गोपाल हरि देशमुख, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ये तो सर ऐसे लुसेंट में तक टेबल बनी हुई है इसकी एज इट इज। सर इस तरह के क्वेश्चन मेरे को बड़े पसंद है, ये जो मैचिंग वाला है ना, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के मैं आंसर निकाल लेता था जब मैं एग्जाम देता था, और काफी इजी है। तो इसका मैं आंसर आपको सीधे से बताता हूँ, इसका आंसर ए है। आप मैच कर लेते हैं, जैसे कि नागेश्वर साइट आपकी सौराष्ट्र में है, ठीक है सर, और आपकी आलमगीरपुर आपकी ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगन आपकी राजस्थान में है, और राखीगढ़ी आपकी हरियाणा में है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही निशांत, इजी। अगर 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 आप रेड पेन यूज करेंगे थोड़ा क्लियरली विजिबल होगा ओ ब्लू पेन। यस 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 ऑफ कोर्स सर। यस आगे बढ़ते हैं। इज इट फाइन नाउ? अभी भी ये शायद ऑरेंज है, रेड कर लीजिए। हाँ ऑरेंज है, रेड ये है शायद, थोड़ी यस ये दिस इज रेड। इसकी ब्राइटनेस वो बढ़ा लेता हूँ मैं, थोड़ी हाँ थिकनेस। हाँ थिकनेस ये थोड़ा सा और विजिबल रहेगा। ठीक है, ये ठीक है, यस फाइन फाइन। द आंसर इज ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ बुक्स एंड देयर ऑथर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो बंदी जीवन सचिन दास सान्याल ने लिखी थी, सही बात है ये। ठीक है, फिलोसफी ऑफ ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोरा, ये भी एकदम सही है, ही वॉज अ प्रोफेसर, और वी शुड से ही वॉज अ केमिस्ट, लाइक उन्होंने बनाए थे बॉम्ब वगैरह। और देशेर कथा, ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है, ये संग्राम गणेश देशकर ने लिखी है, और ये सब सीएसई में क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी किसी को बताता हूँ कि जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाओ यूपीएससी का, तो हमेशा उस साल के या उससे पिछले साल के यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, ऑल एग्जाम, उन सबका एनालिसिस कीजिए, उनके ऑप्शंस देखिए, लॉट फेर के वो वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आंसर इसमें जो गलत है वो है आपका सी, इंडिया अनरेस्ट, जो कि इनफिशेंट ने नहीं लिखी है। ठीक है सर, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पॉर्टेंट मार्कर फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई एन आर्कियोलॉजिकल सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब ये आपका किसी सब्जेक्ट से नहीं है एज सच, ये आपके कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जिसने भी ये लगाया है क्वेश्चन नंबर का 10 का आंसर बी, ये एकदम सही है, जिसमें कि आपका पहला ऑप्शन एविडेंस ऑफ द रॉ मटेरियल एज सच एज स्टोन नोड्यूल होल शेल्स एटसेट्रा, दिस इज करेक्ट, एंड थर्ड वन इज एविडेंस ऑफ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। हेंस द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज बी। विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 11, और जिसने ये क्वेश्चन नंबर सी लगाया, ये भी इसके सर नंबर पूरे आ रहे हैं इस लड़के के जिसने भी लगाया है ये। इन ह्यूमंस यूरिया इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, अमीनो एसिड ही बोलते हैं। सर विजिबल है ये मार्कर मेरा? ठीक बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल विजिबल है, कोई इशू नहीं है। है, ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे। द लिम्फ इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ ब्लड एंड इट सराउंड द सेल, द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ इज, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए, लिम्फ डज नॉट कंटेन आरबीसीज, इनके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। सिंपल एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, बायोलॉजी वाली से। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट एंजाइम सच एज अमाइलेज ट्रिप्सिन एंड लाइपेज आर रिक्वायर्ड, इट इज सीक्रेटेड इन टू द डुओडेनम थ्रू पैनक्रियाटिक जूस। सर क्या चक्कर है, साइंस का मतलब इतना ज्यादा डोमिनेंस क्यों है इस एग्जाम में? यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं इसमें और सीडीएस में
एक मतलब पैटर्न हमने फॉलो किया है कम होने की बजाय, जबकि पॉलिटी थोड़े कम कर दिए ना, ऑलमोस्ट पॉलिटी के 20 हाँ के आसपास आते थे, उनको घटा के 10-12 कर दिया है। और साइंस हाँ ये मान लो कि तुम 25, 26, 27, 28, 29 तक भी पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो कितना बड़ा पोर्शन अपने आप में एक। बहुत सर। और मतलब अच्छी बात यह है कि बड़ा है और इजीली डुएबल है कि आपको एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है। सबसे सही अच्छी बात बात है, तो सही मेरे को ये बात। लगती है सर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग, कहाँ बनता है ये? इट इज फॉर्म्ड टू गिव, मतलब क्यों बनता है? इट इज फॉर्म्ड टू गिव एन एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। फिजिकल डेफिसिट क्वेश्चन नंबर 15, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जिनको ना बता हो मैं बता दूं। और फाइनली इस भाई का हमारा रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, इसका आंसर ये गलत है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मींस द आंसर, करेक्ट आंसर इज द सी, द सम ऑफ बजटरी डेफिसिट्स एंड द नेट इंक्रीज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स। ठीक है जी सर, बच्चों को आवाज आवाज आ रही है ठीक ठाक? बिल्कुल बिल्कुल, सबको अच्छे से आवाज आ रही है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द बजट। अच्छा, किसी ने अगर बजट पढ़ा हो ना, तो उसमें एक ऐसा इमेज बन के आता है बजट, ठीक है, इधर से सारा इनकमिंग होता है पैसे का और इधर से ये दिखाते हैं कहाँ का एक्सपेंडिचर दिखाया गया है। तो आपको इन्हीं में से एक कराया गया था, मैंने क्लास में बताया भी था, और इसका आंसर है आपका 16 का ए, इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17, एडिक्वेसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अ कंट्री इज कैप्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर। सर ये करंट से ओरिएंटेड क्वेश्चन है ना, क्योंकि एकदम कोर इकोनॉमिक्स पूछी गई है इसमें, वो भी मैक्रो वाली, और जो कि अपने सीएपीएफ के ट्रेंड से एकदम थोड़ा हटके है, जहां पे माइक्रो ज्यादा पूछा करते थे पिछले सालों में, अब इस चेंज बार कर इन्होंने दिया थोड़ा सा। माइक्रो से बहुत कुछ, बहुत मिनिमम पूछा है। मेरे ख्याल से बिल्कुल सर इसका आंसर बी होना चाहिए, इसमें सारे ही जो है मैटर करते हैं, सारे इंडिकेटर्स, यस, इस आंसर इज बी। रिजर्व्स टू इंपोर्ट रेशियो, रिजर्व टू एक्सटर्नल डेट रेशियो। देखो यार, जिसने भी पेपर दिया होगा ना, हम सॉरी कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये सारे के सारे अपने आप में 15 15 20 20 मिनट के टॉपिक हैं। तो आप ये जान के चलिए केवल कि ये सारे के सारे आंसर्स ठीक हैं। ठीक है, हो सकता है कि हम आने आने वाले वीडियोज में आपको बताएं, एक एक सेक्शन के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएं, बट यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। सीधा क्लास से क्वेश्चन है सर, एज इट इज पढ़ाया था मैंने क्लास में बिल्कुल। इफ ऑल द मनी ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेस, द प्रपोर्शन ऑफ द इनकम एज द सेव, द टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग्स इन द इकोनॉमी विल आइदर इन डिक्रीज और रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब चेंज बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, जिसने पढ़ा होगा ढंग से, देखी होगी क्लास उसके थे, उसका ठीक ठाक हो गया होगा। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 9, द बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड, मतलब जो उनके पास पैसा होता है, और उनके टोटल एसेट का एक रेशियो उनको बना के रखना होता है कि कितना जल्दी कौन सा लिक्विड कर सकें इन केस ऑफ इमरजेंसी। उस रेशियो का नाम क्या है? तो उस रेशियो का नाम है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो पिछले लगभग 20 क्वेश्चन में इस भाई के, हमारे अब तक 19 क्वेश्चन में केवल एक क्वेश्चन गलत हुआ है, ये भी सही है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो यार, मैं यही बोल रहा था कि मैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि मेरे हिसाब से इसका आंसर जीरो नहीं निकल रहा है, जीरो या होना फिर चाहिए अगर सर। वो, हाँ सही बोल रहे हो आप, ये ड्रॉप भी हो सकता है इस क्वेश्चन ये में सर जो। क्वेश्चन में दिक्कत है सर, इसकी ना इस ड्रॉप वैल्यू में कुछ दिक्कत है, और मेरे ख्याल से ये ड्रॉप होना चाहिए। ठीक है, और अगर ड्रॉप नहीं भी होता है तो जो फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता हम होंगे, लोग अभी हाँ और रिसर्च कर रहे हैं इस पे, जो हमें डिटेल आंसर की आएगी उसमें हम लोग बिल्कुल श्योरली इसका कोशिश करेंगे निकाल पाएं, लेकिन जो भी ज्यादा हमारा समय नहीं एक्सपर्ट लगेगा। होगा, जो भी हमारा एक्सपर्ट होगा वो आपको बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, तो इसे यहाँ पर टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा। एक ये क्वेश्चन डाउटफुल है, प्लीज याद रखिएगा, आउट ऑफ 120 क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन है डाउटफुल है। ठीक है, चलो भाई अब आ जाते हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, इसमें आपका क्या था, एक फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस का, जो कि कुछ ऐसे होता है,
रो एल अपॉन कुछ ऐसे करके होता है कुछ आंसर, ठीक है। और इसका आंसर जब आप निकालेंगे, एक को आप आर वन मान के चलेंगे, एक को आप आर मान के चलेंगे, दोनों का रेशियो जब निकालेंगे, ये आर डैश और आर का, आपका 1/16 आना चाहिए, विच इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 22, इन एक्सपेरिमेंट वन दो एक्सपेरिमेंट दिए हैं आपको, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट था, अ बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स कंडक्टिंग वायर लूप एक्सियली विद, ये यार एनसीईआरटी में गिवन है, वो है ये एक्सपेरिमेंट्स, सीधा सीधा बताता हूँ मैं आपको, कहीं से पढ़ना नहीं है। और इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर सीधा सीधा आपका ए है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप विल बी अपोजिट टू द नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। इतना बड़ा मेरे को लगता नहीं कि आप क्वेश्चन आपने पढ़ रखे होंगे ऑलरेडी सारे, वैसे इरिटेट हो रहे होंगे क्वेश्चन देख देख के। अगर इसके बाद सर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेक्टली एक्सप्लेन द चेंज इन द सीजन ऑन द अर्थ, द करेक्ट आंसर इज एब्सोल्यूटली वन, द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, ठीक है। कुछ इस तरह से इसका टिल्ट होता है ना अर्थ का, और बीच में आपका सन होता है यहाँ पर, तो जैसे जैसे हमारी अर्थ मूव करती जाती है वैसे वैसे इसके सीजन जो है वो चेंज होते जाते हैं अकॉर्डिंगली, कभी कहीं नॉर्थ पोल पे ज्यादा धूप होगी, कहीं साउथ पोल पे ज्यादा होगी, कहीं बीचों बीच में होगी, तो इस तरह से सीजन वेरी करते हैं। तो प्राइमरी रीजन जो है, प्राइमरी रीजन एक्चुअल रीजन जो है, प्राइमरी रीजन वो आपका टिल्ट ऑफ द एक्सिस इज द मेन रीजन फॉर द सीजनैलिटी, रीजन फॉर सीजन करके बोलते हैं इसको, रीजन फॉर सीजन, टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस इज द मेन रीजन, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, आपको इसमें पूछा गया है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म, ये तो मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, ऐसे बता सकता हूँ कि गंगा ब्रह्मपुत्र और आपका इंडस तीनों मिलके बनाती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र, ये सही स्टेटमेंट है, दे आर मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड, यस दे आर पॉपुलेटेड, और ये इनकी डिस्टेंस है, ये भी एकदम एग्जैक्टली सही बताई गई है, 1600 किलोमीटर और 200 मीटर, तो आपका आंसर होगा ए, 1, 2 एंड 3। अब देखो क्या होता था, पहले बताते थे कि यूपीएससी के ट्रिक होते, बताते थे ना कुछ एक्सपर्ट्स कि कहीं नंबर दिया हो तो वो गलत हो जाता है, अब देख लो यहाँ पे नंबर दिया है वो भी एकदम सही है, लगा लो ट्रिक कौन लगाएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ए है, ठीक है, सेट डी में। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 25 की तरफ, और मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन एग्जिस्ट बीनिथ द सी, इसका आपका आंसर बहुत सिंपल है, जैसे इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो आप, इसका ले सकते हो आप मौना किया ले सकते हो एक एग्जांपल, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, सम माउंटेन चेन्स आर रिवील्ड एज आइलैंड आर्क्स, तो इसी के ऊपर कौन सा आइलैंड बनेगा आपका, हवाई आइलैंड बनेगा सर, यही बनेगा, यस बिल्कुल बिल्कुल फिर आपका आता है मिड ओशियनिक रिजेस फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन, यस दे डू, ठीक है। और ओवरऑल वर्ल्ड की अगर बात करी जाएगी ना, ओवरऑल वर्ल्ड में तो यही है, लेकिन हाँ अगर ये पूछा जाए कि ऑन लैंड पूछा जाता तो कौन सा होता आपका, आपका होता माउंट एंडिस माउंटेन जो है ना वो होते, हेंस दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। और फोर्थ स्टेटमेंट आपका द मिड अटलांटिक रिजेस राइजेस 33, देखो यार ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ठीक है, ये गलत है क्योंकि ये 33 मीटर नहीं है, ये समटाइम्स मोर देन 3 किलोमीटर भी होता है, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे वो टिक लग भी जाएगा कि नंबर वाला गलत है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, हेंस योर आंसर विल बी डी, 1, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। अब आपका देखो रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, बड़ा सिंपल सा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ अज मिस्टर अजीत सेड शी इज माय फादर्स वाइफ्स सन्स ओनली सिस्टर, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका सिस्टर ही होगा, ठीक है। ये मैथ्स के क्वेश्चन आपको अलग से एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन तब तक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इनके करेक्ट आंसर बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यहां सॉल्व करने बैठूंगा तो ये जाएगा 6 घंटे का वीडियो, और इतना टाइम अपने पास है नहीं, क्योंकि आप भी एग्जाम देके आए हो, थके होगे, इरिटेट और हो जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है आपका
ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी 25√3/4। फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर 28 आता है आपका, ये भी द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सच दैट एंगल बी इज 90 डिग्री, पॉइंट डी इज पिक्ड ऑन द बी सी सच दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी ए आर सिमिलर इफ ए बी एंड बी सी इज इक्वल्स टू एम ए बी रेशियो बी सी इक्वल्स टू एम रेशियो एन। वॉट इज ट्राइंगल ए बी सी रेशियो ट्राइंगल ए बी डी वेयर ट्राइंगल डिनोट्स द ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो मैंने सॉल्व कर रखा है ये क्वेश्चन और इसका आंसर आपका आएगा बी एन स्क्वायर रेशियो एम स्क्वायर। ये है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑन अ लार्ज ग्राउंड देयर इज अ स्ट्रेट टॉल वर्टिकल लेंथ ऑफ 28 मीटर अ गोट टाइड टू ऑन द टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज एट द मिडल ऑफ द वॉल। ठीक है, एक कोई ऐसी वॉल है जो कि 28 मीटर करीब की, इसके बीच में एक एक पॉइंट है, यहाँ से एक रस्सी से एक बकरी बांध दी गई है यहाँ कहीं पे। ठीक है, एंड इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 20 मीटर, 21 मीटर की ये आपकी रोप है, देन वॉट इज द एरिया ऑफ द रीजन इन द स्क्वायर मीटर अराउंड द वॉल दैट कैन गोट कैन एक्सेस। ठीक है, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी ये। ठीक है, ये यहाँ पे बकरी है, ये इस तरह से घूमेगी कुछ, तो आपको बताना है ये कितना एरिया है। ठीक है, तो आंसर इसका है आपका ए 847 मीटर स्क्वायर, हाँ स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं हम। इसका आंसर बहुत ही है, इसके केवल बड़ा क्वेश्चन है, वो पढ़ नहीं रहा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसका सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। इसके 6 केसेस होंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो है इसके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये आपके 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सर मैथ्स कुछ टफ नहीं है सर पिछली बार से, आपको लग रहा है कुछ? मुझे तो यार लग रहा है सर, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल टफ है, किसी बिल्कुल टफ है यार, क्यों नहीं है। इनको सॉल्व करने में भी टाइम लगा, मैं बैठा ना तो थोड़ा एकदम एक बार को तो लगा कि यार ये ऐसा क्यों पूछ लिया इन्होंने। है यार, टफ तो है ही। लास्ट टाइम मतलब ऐसा देखो, इसमें कुछ शॉर्ट ही नहीं है, कई बार बहुत ज्यादा ही दिया जाता है। लास्ट टाइम थोड़े मतलब मैथ्स को कंपेरेटिवली इजी थी, इस बार तो बहुत ही यार वैसा हो रहा है। पता नहीं सर, फिर पिछली बार रीजनिंग और मैथ्स वाले बहुत पूछते कि चलो यार कुछ नंबर आएंगे तो इसमें आ जाएंगे, लेकिन पिछली बार कुछ और चीजें जीएस में उल्टी सीधी चीजें पूछ ली गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने मैथ्स में थोड़ा दिखा दिया कि हाँ भाई दम है, अच्छा जा रहे हैं। चलो भाई, तो इसका आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल इमरजेंसी इज करेक्ट। इसका आंसर जिसने भी सी लगाया एकदम सी ही है। लंबा क्वेश्चन है इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं, आई एम अवॉइडिंग द लॉन्ग क्वेश्चन टू रीड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। इसमें आपसे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, यानी सुप्रीम कोर्ट जज को जब हटाया जाएगा इम्पीचमेंट में इम्पीचमेंट के थ्रू, तो उसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं बी सी एंड डी करेक्ट हैं। पॉइंट ए इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे लिखा है था मोशन इज एड्रेस टू प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को कभी भी ऐसा कोई भी मोशन एड्रेस नहीं किया जाता है, ये एड्रेस किया जाएगा आपका स्पीकर को, और इनके काउंटर ऑफिसर कौन से हैं, चेयरमैन, इनको किया जा सकता है बस। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडियाज G20 प्रायोरिटीज। क्या लगता है आपको कि भारत सरकार ने कौन सी चीज छोड़ दी होगी इसमें जो नहीं होगी? मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, कुछ भी नहीं छोड़ा, हमारे लिए सभी चीजों में इम्प्रूवमेंट करना अभी बहुत जरूरी है, और ऐसे सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन को कोई गलत करना भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अच्छी बात बिल्कुल नहीं होगी, बहुत बड़ी तो मैं क्या ही बताऊं। तो इसके आंसर जो है वो होगा आपका डी 1, 2, 3 एंड 4, ग्रीन डेवलपमेंट, ह्यूमन लेड डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब आपको डिटेल्ड आंसर दिया जाएगा ना, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या है। इसके अलावा 2 पॉइंट और भी है, शायद 2 या 3 पॉइंट और भी है, तो वो भी आपको डिटेल्ड आंसर की में दिखाए जाएंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। सार्क के बारे के इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं, और मेरे ख्याल से बहुत लंबे टाइम के बाद कुछ ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वरना ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछना बंद कर दिए गए थे। ठीक है, पिछले 2-3 सालों में, और फिर से रिपीट कराया, तो ये मतलब ठीक है, जा रहे हैं पुराने पैटर्न पे, ऐसी सी बात है। सो देखो,
जिसने भी ये आंसर डी बी लगाया है ये एकदम सही है, क्योंकि सार्क हैज नथिंग टू डू विद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. ऑफकोर्स दे स्ट्राइव फॉर पीस, ठीक है वो पीस के लिए काम करते हैं, बट दे हैज नथिंग टू डू विद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. तो ये स्टेटमेंट अगर आप इसको आउट करोगे तो ये आउट, ये आउट, ये दोनों इसमें भी कॉमन है, और थर्ड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू. हेंस योर आंसर बिकम्स 1, 2 एंड 3. ठीक है, तीनों इसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. इसके अलावा इसके 2-3 ऑब्जेक्टिव और भी हैं, वो भी आपको डिटेल्ड आंसर की में मिल जाएंगे. ठीक है, मैं खुद प्रोवाइड करूंगा आपको, प्रॉमिस. क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं. प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सोल्यूबल मिनरल्स इज ऑब्टेंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड. इसको बोलते हैं, इस मेथड का नाम होता है डीआयोनाइजेशन. ठीक है, तो जिसने भी ये लगाया है ये तो ये गलत है, ये भी गलत है. और इसमें क्या होता है, आयन एक्सचेंजेस होते हैं, आयन एक्सचेंज होते हैं आयन एक्सचेंज मेथड से. ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी, पासिंग वाटर थ्रू अ कैटायन एक्सचेंज एंड एन एनायन एक्सचेंज रेजिन बेड. सो योर आंसर बिकम्स सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 35 इन योर सेट डी. ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और यही मैं आपको बता रहा था कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है. अगर ये किसी का गलत जा रहा है तो फिर भाई दिक्कत वाली बात है. और जिसने भी ये आंसर लगाया है वो पढ़ के गया था ये आंसर, इसका आंसर यही है. ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि इसमें एक साथ आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं. ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इसमें ऑक्सीडेंट कौन सा है, रिडक्टेंट कौन सा है, तो ऐसे थोड़ा ऐसे कर लो. ऑक्सीडेंट आपका CuI है और आपका रिडक्टेंट है आपका Cu2S. Hence your answer becomes A. ठीक है, CuI and S of Cu2S, ये इसके बारे में बात हो रही है केवल सल्फर के बारे में. चलो क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं. Which one of the following statement is not correct regarding the settlement of setting of cement? Cement के बारे में ये question है, ठीक है? Not correct पूछा गया है. तो जिससे पहले आप ये पूछो कि होता क्या क्या. देखो ये सारे ये वाले point तो सारे सही हैं. 1, 2 and 3. Question number इसमें जो 37 में point number D है, ये आपका थोड़ा गलत point है. ठीक है? Reasons आपको detailed solution में बताए जाएंगे. लंबा प्रोसेस समझाने के लिए आपको. चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ. ठीक है, जिसका आंसर देखो कुछ और चीजें भी है. अगर मानो यहाँ पे नाइट्रोजन वगैरह कुछ और बोल दिया होता तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज हो जाता, लेकिन वो ऑप्शन इसमें है ही नहीं. तो जो आपका मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आता है ना, इन सब में पूछा गया है. ठीक है, तो आपका आएगा ऑक्सीजन, डी इज द आंसर. कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा एज इट इज, टेबल बनी हुई है. ठीक है, मैंने भी वहीं से देखा था. अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 39. दो क्वेश्चन और कर लेता हूँ फिर मैं पानी पीऊंगा, प्यास लग रही, गर्मी बहुत है भाई. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली. डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट करेगा कुछ और कैटलिस्ट वगैरह को मिलाकर, बट डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा. तो आपने ये सब तो देखे होंगे, TiO2 देखा होगा आपने, कभी बुक में लिखा देखा जाएगा SiO2 लिखा देखा होगा आपने. ठीक है, ZnO2 कई बार मिल जाता है आपको, ये नहीं देखा होगा आपने कभी ऐसे. तो पीटी रिएक्ट नहीं करता. अभी आपका क्वेश्चन नंबर 40. ठीक है, एक तरफ इसके क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन यार, मतलब देखते देखते ही दिमाग खराब हो जाए. अब इसमें क्या है, इतना बड़ा जब क्वेश्चन आता है ना आपको, तो कभी भी ये तो कभी सोचना मत कि आपको सारे के पॉइंट, सारे पॉइंट एज इट इज याद होंगे. तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको वीकेस्ट लिंक देखना पड़ता है, वीकेस्ट पॉइंट देखना पड़ता है, जो कि इतने सारे पॉइंट्स में गलत हो सकता है. अगर आप ऑप्शन देखोगे इसका मतलब ये बात तो सही है कि आपके चार ऑप्शन में से कोई से सही है, यानी कि कोई दो ऑप्शन इसमें गलत भी है. ठीक है, तो अब आप ये देखो कि इसमें सबसे वीकेस्ट स्टेटमेंट कौन सा है. अब मुझे इसका आंसर पता है, सो आई वोंट गो इनटू द मच डिटेल, और मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा. तो मेरे हिसाब से इसका पॉइंट नंबर 3 जो है ये गलत है, और पॉइंट नंबर 4 जो है वो गलत है. एंड हेंस अगर हम 3 और 4 को निकाल देंगे इसमें से, तो हमारा आंसर आएगा डी, 1, 2, 5 एंड 6 इज द करेक्ट आंसर.
सांची स्तूपा के बारे में इतने पॉइंट्स पता नहीं, कभी नोट्स में पढ़े होंगे, मैंने नहीं पढ़े होंगे। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मैं प्यास लग रही है। सर गाने की आवाज तो नहीं आ रही है? कांवड़ यात्रा बहुत निकल रही है यहाँ से। ठीक नहीं, सब क्लियर है, कोई ऐसा इशू नहीं है। है चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 40, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है, आंसर इसका यार इन्होंने गलत क्या लगाया है बताओ। इतना अच्छा पेपर जा रहा था ये भाई का, पर इन्होंने गलत लगा दिया। तो वन इसका सही है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति बाय हरिसेन, ये इसके 4th सेंचुरी में ही लिखी गई थी करीब। और ये फा हैन वाला ये क्वेश्चन, ये पॉइंट यार गलत है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड सही है, मुद्र राक्षसा ऑफ विशाखदत्त, ये भी सही है। और आपका इसमें फोर्थ हर्ष चरित्र बाय बाण भट्ट, ये टाइम पीरियड गलत है। ठीक है, ये टाइम पीरियड गलत है। एक तो ये गलत था, एक ये गलत था। अभी दो और चार अगर हम निकाल दें, दो निकाल देंगे, ये आउट ये आउट ये आउट, आंसर बचेगा आपका डी, 1, 3 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर। पेपर में कुछ इसी तरह से करते हैं हम लोग एलिमिनेट करके। शुक्र है कि आपको इसमें एलिमिनेशन बचा के रखा हुआ है इन्होंने अभी तक, वरना जो बच्चे बेचारे सीएपीएफ वो सॉरी सीएसई और ईपीएफ को देख के आए थे वो तो सरपटक रहे थे, क्यों क्यों करा ऐसा हमारे साथ। अब देखो ये एक क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें एक तो तीन तो इसमें स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, और मतलब चारों ही क्वेश्चन स्क्रिप्ट के बारे में है। और अगर आप इनको टेबल बना के कोई पढ़ते हैं ना कि इस प्लेस का ये स्क्रिप्ट अशोका का, यहाँ पर इस प्लेस का नाम और उसकी स्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज में है, टेबल की फॉर्म में अगर आप कभी भी ऐसे स्क्रिप्ट याद करेंगे तो आपको 100% याद होंगे। ठीक है, तो इसके बाकी के तीनों ऑप्शन जो है डी सी और बी, ये गलत है। सही है आंसर आपका ए, ब्राह्मी, यूज्ड फॉर मैनी अशोकन इंस्क्रिप्शन शोज लोकल वेरिएशन। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता ना कि यार कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में एक भी नहीं लिखा गया था या सारे के सारे लिखे गए थे। ऐसा वेग स्टेटमेंट नहीं है बोलना कि मैनी स्टेट मैनी मैनी इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे, बहुत सारे लिखे गए थे। अब किसी को नहीं पता ना कितने थे कितने नहीं थे, मैनी में सब आ जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। मुझे बताओ ऐसा कौन सा स्टूडेंट है यूपीएससी का, एनी एग्जाम, यूपीएससी के कितने भी एग्जाम होते हैं कोई से एग्जाम का भी, जिसने अर्थशास्त्र पढ़ी हो, या फिर कहना नहीं चाहिए मुझे कि क्या फिर, या फिर ऐसा समझ लो कि अपने टाइम पर क्या यूपीएससी के चेयरमैन ने भी अर्थशास्त्र पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी। ये क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है कि आपको ये पता लगाना चाहिए कि क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो किंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी नहीं है, क्या क्या नहीं, वैसे आप सोच सकते हो। जैसे मानो अगर मैं एक राजा हूं तो मेरे लिए क्या, मेरे को अपने डिफेंस की रिपोर्ट पता होनी जरूरी है कि भाई क्या हो रहा है मेरे राज्य में। ठीक है, और पैसा बहुत जरूरी है मेरे लिए क्योंकि वरना मैं राज्य चलाऊंगा कैसे। अगर मैं अपने मंत्रियों से नहीं मिलूंगा तो बात कैसे बनेगी, क्योंकि फिर मैं सारे मिनिस्ट्रीज को ऑर्डर दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर जो बी है ना, विजिट टाउन इन इनकॉग्निटो मोड, यानी छुप कर टाउन को विजिट करना, अगर मानो रोज राजा इन सब कामों में बिजी है तो उसके पास इतना टाइम बचेगा कि वो छुप के मुंह ढककर बेचारा घूमता फिरे जगह जगह पे, तो नहीं होगा। ठीक है, निशान सर, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है बिकॉज इसका एग्जैक्ट सोर्स जो ये कैश वर्ड यूज किया गया है ना इसमें, सर ये है उसको तो, हाँ नहीं होना तो मैं चाहिए तो सर इसको इसको, बी और सी मार्क करने को बोल रहा हूँ कि हाँ दोनों बी में से और कुछ भी सी, हो सकता है ये, बट ज्यादा चांसेस आई थिंक सी के होने चाहिए ना, ठीक होने तो चाहिए सर, क्योंकि है, या बी के, सर ज्यादा होने चाहिए आपके बी के बी के नॉट, होने चाहिए ना क्योंकि ज्यादा, हाँ हाँ नॉट पूछा है तो रेवेन्यू इन कैश। नॉट पूछा गया ना, क्यों रेवेन्यू तो सर जरूरी होता ही किसी भी राज्य के लिए। कैश हाँ नहीं, अगर कैश नहीं होता ना उसमें, क्योंकि दिनचर्या में ये दिया था कि रेवेन्यू आपको हाँ, रिसीव, मतलब ये भी है कि लेकिन सर उस टाइम का कैश का जरूरी थोड़ी कि जो हम आज कैश से कंपेयर कर रहे हैं वही कैश होगा, उस टाइम का कैश इनका अलग होता होगा, पॉइंट्स टाइप पंच मार्क्स ठीक है, पॉइंट वगैरह तो टाइप चलते मोस्ट होंगे। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट बी, प्रोबेबल मैं सर बी के साथ जाऊंगा इसका। ठीक है ठीक बी, है, यस मे बी बी ये और सी भी, यस सी भी है, हाँ यूपीएससी देखते क्या देती है। ठीक है, यूपीएससी पे छोड़ देते हैं ये, बट हम दोनों मार्क कर रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। बहुत
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनली अदर देन न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल्स हैज इट्स ओन डीएनए, ऐसा कौन है जिसका खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। आपने कभी सुना है कि मदर इनहेरिटेड जो डिसीजेज होती हैं, ठीक है, मदर इनहेरिटेड डिसीजेज जो होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से आती हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से आती हैं, ठीक है। तो इसी से आपको पता लग गया होगा कि आंसर बी इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं हम। प्रोटीन बनाने के लिए कौन से यूज होते हैं? ऑफ कोर्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड द अमीनो एसिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड कैरिड बाय टीआरएनए। बायोलॉजी के क्वेश्चन बुक्स में ये मतलब एनसीईआरटी में सीधा सीधा क्वेश्चन गिवन है। 46 पर आते हैं हम। यार पसीना बहुत आ रहा है, एक तो मेरे को गर्मी लग रही है। इन वर्टिब्रेट्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल्स ऑफ विच ऑर्गन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। कौन से ऑर्गन का काम होता है ये बताइए। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी, लिवर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, ऑफ कोर्स सही लगाया जिसने भी लगाया, अपॉन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टेम्परेचर एंड पीएच। ये चार चीजें जरूरी है इसके लिए, रेट ऑफ एंजाइम को कैटलाइज करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, हाउएवर, और जिसने भी ये पॉइंट लगाया है सही लगाया है। अरे मेरे को अभी कोई कॉल मैसेज मत करो। ग्लाइकोजन इज मेड इन एनिमल सेल्स बट स्टार्च इज मेड इन प्लांट सेल, यही इनमें मेन डिफरेंस भी है। सो आपका आंसर जो है 48 का वो रहेगा बी, ठीक है। इन सम वायरल इंफेक्शन, इन सम वायरल इंफेक्शन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आर रिड्यूस्ड क्विकली, द प्लेटलेट्स आर एसेंशियल। क्यों जरूरी है प्लेटलेट्स आपके लिए? बिकॉज प्लेटलेट्स हैव द रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। जैसे ही आपका ब्लड निकलता है ना, कहीं चोट लग जाती है और जैसे ही ब्लड बाहर निकलता है तो वो प्लेटलेट्स होती है जो जो क्लॉट बनाती है, वो प्लेटलेट्स का ही काम होता है। अब ये बताइए इससे सस्ता क्वेश्चन मिलेगा प्लेटलेट्स वाले से? सस्ता क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है, मिक्सचर पूरा रखा गया है कि एक्चुअली ये वाले गलत जिनके होंगे ना वो बैकफुट पे आ जाएंगे। सर कहना नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, इट वुड बी वेरी डिस्करेजिंग टू से दिस, बट अगर जिसका ये क्वेश्चन भी गलत होगा तो फिर यूपीएससी छोड़ देनी चाहिए। तैयारी सही बात है, ठीक बात है, मतलब इतना भी अब आप मतलब स्टेटमेंट, हाँ मतलब आपको पता होना चाहिए किसी का क्या रोल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बचपन से चोट लगती आ रही है, मेरे को सर कितनी बार फटा है, सारे प्लेटलेट्स निकल गए मेरे। चलो, द फोकस ऑफ द सेकंड फाइव ईयर प्लान वाज, फाइव ईयर प्लान आपके थे कितने हुए हैं अब तक, 2000 आपके 15 तक चले थे, ठीक है, 12 थे, उसमें से आपसे पूछा गया है सेकंड। और कभी भी आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ और उसके बाद आपका एर्थ, ये वाले फाइव ईयर प्लान्स के बारे में जानना जरूरी होता ही होता है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से बनते हैं, ठीक है। और जिसने ये आंसर लगाया है ऑप्शन बी इज डेफिनेटली करेक्ट, द फोकस ऑफ द सेकंड फाइव ईयर प्लान वाज द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। सर इसी के टाइम पे प्राइवेटाइजेशन भी हुआ था, सॉरी क्या प्राइवेटाइजेशन बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, सारी गवर्नमेंट पीएसयू बन गए थे, उसको क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे वर्ड है अभी उनको याद नहीं आ रहा, सारी जितनी फर्म्स थी वो सारी की सारी इंडिया में ऑलरेडी नेशनलाइजेशन। यस करेक्ट 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 वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड, कभी कभी ऐसा हो जाता सर वर्ड्स भूल जाता हूँ मैं, बहुत हुआ था यहाँ पर, कोई इशू नहीं। चलिए इसका क्या बोलूं मैं, कितनी बार सर, जिस दिन मैंने पहली बार यूपीएससी क्लास अटेंड करी थी ना ज्योग्राफी की, उसी दिन मेरे को ये बताया गया था कि बेटा ये पढ़ लेना, ये नाम तो आते ही आते हैं, और इस बात को करीब हो गए 7-8 साल हो गए। वही बात है यार, बिल्कुल आएंगे ही आएंगे ये वाले तो।
ये तो मतलब एकदम एग्जैक्ट ये क्वेश्चन गलत करना मतलब कांट अफोर्ड इट। और सुसाइड ये है, लड़का सुसाइड। बिल्कुल जिसने भी लगा के है लड़का बहुत समझदार है, इतना सर इतना श्योर है ये बंदा, देखो उसने डबल टिक लगाया है तो लगाया इसने बड़ा सही लगाया इसने। ठीक है सही सही है सही। इसका आंसर, इसका आंसर सी है ऑप्शन। प्रेरीज आपका नॉर्थ अमेरिका में, स्टीप्स आपका यूरेशिया, और टू बी प्रिसाइज यूरेशिया बहुत बड़ा है, इसका एक छोटा छोटा कंट्री भी है। पैम्पस आपका साउथ अमेरिका, मतलब सर इन्होंने पता है एक छोटी कंट्री ना देके इसमें से बिल्कुल पूरा एक कॉन्टिनेंट टाइप का दे दिया है आपको कि बता दो मिल जाए, बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ एक फेल्ट को छोड़ के, इसको फेल्ट बोलते हैं, कोई अगर बेल्ट ने बोले पढ़ना चाहे तो उसको कुछ इस तरह से पढ़ते हैं इसको फेल्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन सही होता ही है। ये मतलब साउथ ऐसे कोई अफ्रीका नहीं है। बताएगा, ये बस निशान सर को पता है, थोड़ा तो ध्यान से सुनो। फेल्ट होता है इसका प्रोनाउंसिएशन सही, छोटा हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, ठीक है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था आपका 2023 है ना, तो ये तो मतलब आंख बंद के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए था कि ये तो आपको आना ही आना है ईयर ऑफ मिलेट्स के, मतलब मिलेट्स पे क्वेश्चन इस टॉपिक से एक्सपेक्टेड भी था। बिल्कुल और सर फॉर श्योर। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन ये स्टेटमेंट बेस्ड है, और जैसा कि आपको थर्ड स्टेटमेंट दिख रही है, 3% ऑफ द ग्लोबल रेस ट्रेड है ना, इसका एग्जैक्ट डेटा हमें कहीं नहीं मिला है। ठीक है, तो एज पर आर रिसर्च जो हमने मेहनत की, दोपहर से लगे हुए थे हम 12 बजे से, उसमें फर्स्ट टू स्टेटमेंट तो बहुत इजीली मिल गई, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका या तो ए है या डी है। ठीक है, एग्जैक्टली सर मेरे को भी इसमें डाउट है ये ना, ये 3% वाला एकदम एग्जैक्ट ऐसा। ये कहीं एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला हमें, मैंने हाँ बहुत ट्राई किया इसको तो ढूंढने की। एक मेरे को इसमें डाउट है और एक इसमें डाउट है, ठीक है तो देखते हैं यूपीएससी क्या आंसर मार्क करता है, पर जिसने भी ए या फिर डी मार्क किया होगा ठीक है उसके चांसेस बस होने के उसके सही फिंगर है। हाँ, क्रॉस बाकी उसके हम लोग रहना। अभी डिटेल्ड निकालेंगे, उसमें मिल जाता है तो हम अपडेट कर देंगे। सर थोड़ा पानी पी लूं। बिल्कुल यार, बिल्कुल, स्टे हाइड्रेटेड। तो इस वाले में घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए या डी इसका होना चाहिए, बहुत सिंपल सा था। जिस किसी ने बी और सी कर दिया ना, वो बिल्कुल ही गलत चला गया है। ठीक है, मिलेट्स आपको पता है कि जो भी अगर जो बांगर एरिया से हैं या राजस्थान वगैरह से, उनको इसका बहुत अहमियत पता होगी, उनका स्टेपल फूड होता है ना मिलेट्स वगैरह। तो ये बहुत हाईली हाई सोर्स ऑफ मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड प्रोटीन होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको दो भी पता, दो भी एक एलिमिनेट हो गया। एंड जब ये राजस्थान वगैरह जैसे एरिया में हो सकता है, तो पहले स्टेटमेंट भी अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1 या 2 का जी शॉर्ट था, तो 50-50% तक आप पहुंच गए थे। यस, जी प्लीज कंटिन्यू। तो सर मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के, आपके पास आ रहे हैं क्या, हाँ, मैं देखता हूँ एक बार। इनको डाउट्स पड़ रहे हैं क्वेश्चंस में। भाई तुम लोग लाइव अटेंड कर रहे हो अगर तो आपको आंसर मिल तो रहे हैं, क्या इशू है। आपके पास डाउट कहाँ से आ रहे हैं? सर टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं बच्चे ग्रुप में। नहीं, टेलीग्राम पे अभी इस पे देखते हैं, बाद में एक डिटेल निकालेंगे, तब हम बात करेंगे इस बारे इसमें देखिए सर एक बार, में। ठीक है। अच्छा ये मैथ्स वाले क्वेश्चन है, इनका मैं आपको सॉल्यूशन बाद में इकट्ठा प्रोवाइड करा देंगे। सर ये क्वेश्चन मैं फिलहाल के लिए रोक दूं क्या, क्योंकि इनको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ज्यादा सारे मैथ्स के ही है ये मेरे ख्याल से, ये आपके जाएंगे। हाँ निशांत, मेरे हिसाब से मार करवाते हैं एक बार। ठीक है, इनको मार करा देते हैं एटलीस्ट, मतलब ये ना हो कि कुछ छूट गए हैं। सॉल्यूशन हम बाद में प्रोवाइड कर देंगे, वो तो चलिए हमने सर फिर पढ़ा ही माफ था। कराइए, बताइए आंसर आपने सॉल्व करे ठीक है, होंगे। आप हाँ, क्वेश्चन नंबर किस कहाँ कौन सा, 53rd है ना, 53 53 ना इसका, इसमें 53 क्वेश्चन है, इसमें इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फिफ्थ ऑप्शन ऑप्शन बी इज द ऑप्शन करेक्ट बी। आंसर, ठीक यस, ठीक है, फिफ्टी है फिफ्टी फोर फोर्थ में में अमंग द वोवल्स इस वाले में होगा ऑप्शन ए, 42.42, 42 सिक्स पॉइंट होल सेवन 6 अपॉन परसेंट 7 परसेंट, यस सर, इट इज द करेक्ट आंसर। फिफ्टी यस सर। 55 क्वेश्चन, 55th, एक ओ एन 55 डी में इसका है, एक्स डी 11340। 11340 ये सॉल्व करने में बड़ा टाइम लगेगा सर इनको, इसलिए मैं तो हाँ, स्किप कर और रहा हूँ अभी के लिए। क्वेश्चन हम ठीक दे देंगे। ठीक है, 56 का है है ऑप्शन सी, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक यस, 56 का है सी। फिफ्टी है सर। सेवेंथ है, 57 होगा एक्स, का टोटल नंबर पॉसिबल है 5 × 8, विच इज 40, डी D 40 इज द करेक्ट आंसर राइट, 40। यस, यस।
देखो भाई, टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं, ये मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड कराऊंगा, बाद में कराऊंगा, रवि सर ने कर रखे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं सर। और 58, ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनेटली लेसर। अगर यही बात है तो क्या बढ़ती उम्र के साथ ये बढ़ नहीं जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा? क्या आपको नहीं लगता ये गलत स्टेटमेंट है? हाँ जी दोस्तों, ये गलत स्टेटमेंट है। और ऑप्शन नंबर, पॉइंट नंबर 2 जो है इसका, इन द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज द पॉपुलेशन इन द हायर एज ग्रुप्स हैज इंक्रीज्ड, जैसे कि आपका जापान, ठीक है। इनका मतलब और भी रीजन है बहुत सारे, लेकिन ये बात सही है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। और ये फिलहाल जो रिसेंट डाटा निकाला था गवर्नमेंट ने, यूएन की तरफ से आया था, मतलब यूएन गवर्नमेंट की तरफ से आया था, उन्होंने बताया भी था इसके बारे में, ठीक है। और इंडिया के बारे में भी कुछ स्टेट्स बताए थे कि हाँ भाई इंडिया भी पॉपुलस होने वाला है, और अगस्त 2023 तक ये आने, मतलब अभी ये कंप्लीट जो होगा ना अपना अगस्त, इस अगस्त में इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है। ये इतना रिसेंट है तो मेरे को पता नहीं लगता कि कैसे पूछ लिया इन्होंने जल्दी, चल लेकिन आ गया ये। तो आंसर इसका जो है 58 का वो बी है, ठीक है, टू ओनली, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट। विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट, ए सी ई, ठीक है। ये आपका यूएन ट्रिपल सी का एक इनिशिएटिव है, ठीक है, चार हो गए क्या, यूएन ट्रिपल सी का है एक स्टेटमेंट, ये इनिशिएटिव, ये ठीक है। द टर्म अडॉप्टेड बाय द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, द टर्म इज रिलेटेड टू द पेरिस अग्रीमेंट, यस इट इज रिलेटेड टू पेरिस अग्रीमेंट। ऐसा स्टेटमेंट में ज्यादातर चीजें कनेक्टेड ही होती हैं। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट इज द क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव, आपको बताना है कि ये क्लाइमेट न्यूट्रल इनिशिएटिव क्या है, ठीक है। और इसका आंसर है आपका, यार इन्होंने ये गलत लगाया है, जिसने भी लगाया है, इसका आंसर सी नहीं होगा, गलत कर दिया भाई जिसने भी कराया है, ठीक है। इट एनकरेजेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसमें पहले वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती, बट जहां उसमें बाई 2030 आ गया ना, ये गलत हो गया। हाँ, इसमें बाई सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी, मतलब 20, यस बाय 2050 है सर, उसके लिए बाई नहीं, उसके बाद सेकेंड हाफ में, मतलब एक ऐसा ऐसे टू आफ्टर या मतलब सेकेंड हाफ में ही ये चीजें अचीव करने का प्लान है, तो ये इस ईयर से ना थोड़ा सा ये गलत हो गया। एंड देखो दोनों क्वेश्चन पेरिस अग्रीमेंट से रिलेटेड है, तो एक ही चीज से दो क्वेश्चन आ गए, बट मैं अगर ये गलत भी किया होगा तो मैं गलती नहीं मानता हूँ, ऐसी चीजें नहीं मतलब याद रहती, नॉर्मल है अगर ये गलत हुआ सर, ये मतलब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ तो देंगे, सही बात है। थोड़ा ये भी होता है कि वो चेक करे कितना मतलब बच्चा अटेंटिवली पढ़ रहा है, एटलीस्ट आपको ट्रेंड तो याद रखना ही चाहिए कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ना भी याद हो तो भी क्या इशू है, नहीं इसका, तो इसका एग्जैक्ट सोर्स मैं शेयर करूंगा, डायरेक्ट UNFCCC की वेबसाइट से ही उठाया गया है, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। सेकंड हाफ की बात है तो इट बी, इसका करेक्ट आंसर है बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यस यस यस, थैंक यू सर। चलो यार देखो, अभी पता है व्हाट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कवच 2023, कवच के बारे में आपको बताना है, और इसका आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2। पूछो कैसे, इट इज अ जॉइंट कोऑर्डिनेट कमेटी ऑफ ऑल द 3 विंग्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस प्रोटेक्ट इंडियन बॉर्डर्स, एब्सोल्युटली नॉट, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज इंडिया नेशनल लेवल हैकथन जॉइंटली लॉन्च बाय AICTE BPRD to tackle cyber threats. Yes, this is definitely true. अच्छा, कुछ हो सकता है कि यार अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन हुआ हो तो बहुत गलत बात है, लेकिन अगर इसकी जगह स्टेटमेंट अगर कुछ रेलवे से रिलेटेड लिखा होता तो एक बार को मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ आपको, क्योंकि ऐसा कुछ एक कवच करके उनका यंत्र भी होता है जो इंजन्स में लगाया जाता है, जिसकी वजह से अभी आपको पता होगा कुछ ट्रेजिडी भी हुई थी, कुछ सिमिलर सा नेम है इसका, तो अगर आपको वहां पे कंफ्यूज हो या फिर, लेकिन अगर भाई
तो आंसर है इसका 61 का बी. नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द नियोलिथिक पीरियड इज नॉट करेक्ट. सर मेरी वॉइस क्लियर है? थोड़ी सी ब्रेक हुई थी बीच में, बट इट्स फाइन नाउ. वो सर मैं पता नहीं क्यों बच्चे कॉल कर रहे हैं, उनको जानना है कुछ क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करने होंगे. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द नियोलिथिक पीरियड इज नॉट करेक्ट. द आंसर है इसका सी, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर appeared almost at the same time in various parts of the subcontinent. This is definitely wrong. बाकी के तीन जो आपके स्टेटमेंट है वो absolutely correct है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं. Which one of the following is not a portrait type? क्या नहीं है portrait type, ये बताना है आपको. OCP, ठीक है, इसका क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओकर, ओकर ही बोलते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, ओकर ही पढ़ते हैं ना, ओकर कलर्ड, ओकर कलर्ड पॉटरी. और ये थे आपकी नॉर्दर्न ब्लैकवेयर, ब्लैकवेयर पॉटरी, पॉटरी. और थर्ड डी आपकी BRW, ब्लैक एंड, ब्लैक एंड रेड. ठीक है सर, आई थिंक ब्रेक हुई होगी इसका वॉइस. हाँ थोड़ी सी ब्रेक हो रही बीच में, कोई बात नहीं, होता है नेटवर्क अपने. अरे सर ये अब मैं इसको क्या बोलूँ, बार बार कॉल नहीं करूँगी, हो जाएंगे. ठीक है, तो आंसर है आपका इसको 63 का बी, सीसी इज नॉट अ पॉटरी. देखने में लग सकती है पर है नहीं. ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं. Which one of the following political centers finds a mention in the Ashokan inscription? और आंसर है इसका आपका सी, सुवर्णगिरी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, which one of the following statement with reference to the ancient Indian coins is not correct? क्वेश्चन नंबर 65 और आंसर है इसका, इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया है ना, थोड़ा ध्यान से. तो नॉट करेक्ट भाई ने डी सही लगाया है. दीज कुशना गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन द सेवरल साइट्स ऑफ इन नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. विल मूव टुवर्ड्स सर क्वेश्चन नंबर 66, देखिए एक बार. आप एक बार रीड कर दीजिए. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ वैदिक सेक्रीफाइसेस. ठीक है, द श्रोता ब्रैकेट में वैदिक सेक्रीफाइसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ थ्री फायर्स, द गर्भपत्र, क्या क्या है इसको थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा, गृहपत्य, गृहपत्य सर कैसे कैसे नाम होते थे पहले, गृहपत्य, हाउस होल्ड फायर, और अहावनिया, ऑपरेशनल फायर, द दक्षिणागिनी, सदन फायर. ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये तो आपका सही है, ये करेक्ट है. और इसमें जो सेकंड में फंसाने के लिए चीजें है ना, वो किसी को वैसे भी पता नहीं होंगी. ठीक है, तो आपको ब्लाइंड गेस करना था, या तो बोथ या फिर ओनली वन इज ट्रू. ठीक है, ये तो मेरे को भी पहले ही वाला पता था. एग्जैक्टली, तो दूसरे पे तो मैं भी अटका था, तो दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है. दूसरा गलत है, ये थोड़ा बता देते हैं. ग्रह प्रत्यय जो है वो सर्कुलर पिट होता है. ठीक है, उसके अलावा अहावनिया होता है स्क्वायर पिट, दक्षिण अग्नि सदर्न फायर, ये दक्षिण अग्नि होती क्रेसेंट, क्रेसेंट होता है ये, क्रेसेंट शेप्ड. अच्छा, ये रीजन क्रेसेंट शेप्ड. सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. और अहावनिया आपकी ये हो गई, आपकी किस क्या क्या फॉर्म थी सर इसकी, स्क्वायर शेप इसकी थी, सर्कुलर नहीं, नहीं सर्कुलर तो ये थी अहवन्या की थी, सॉरी गृहपत्य की थी, सर्कुलर अहवन्या की है स्क्वायर. अच्छा अच्छा अच्छा, स्क्वायर शेप्ड. ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चंस में तो भगवान ही आपका मालिक है, जो भी लगा के आए होंगे. और अपने गलती करी भी हो आपने तो ज्यादा अफसोस नहीं करना, क्योंकि इस प्रकार की नॉलेज के लिए आपको बहुत ज्यादा ज्ञानी होना पड़ेगा.
जितना यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है भाई। जो है क्वेश्चन नंबर मैपिंग से, और मैपिंग की चीजें देखो कितनी अलग तरीके की पूछी गई है, ठीक है। सर बहुत सबको पता है ट्रांस साइबेरियन सबसे बड़ा रेलवे रूट है, ठीक है, बट अब आप उसको मैप में कैसे इमेजिन करोगे? आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए चारों के चारों, कहाँ ये लाइक करती हैं, तो गलत होने के ज्यादा चांसेस थे इसमें। सर मैं भी यहाँ पे मार खा गया, जो मैंने बच्चों को वो दिए थे प्लेसेस एंड माउंटेन, उनमें मैंने कॉकस माउंटेन मेंशन कर दिया था, ओराल माउंटेन्स मेंशन कर दिया था, बट ये रह गया अल्ताई। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अपना ये तो ठीक, मैंने बोला भी था कि आप इसको मार्क कर लीजिएगा, तो आंसर इसका बी ही है, कॉकस माउंटेन्स, ठीक है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अगर आपने देखा होगा या आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए होंगे कि जैसे आपको चिल्ला बता रहा था कि भाई इनको मार्क कर लेना अपने एटलस में, तो डेफिनेटली आप सही करके आए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, बार्चन्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। बार्चन्स क्या होती है, आपके डेजर्ट में कुछ शेप बनती है सैंड की, ठीक है, उनके बारे में ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर जो है आपका वो है सी, 1 और 3 ओनली, दीज लैंड फॉर्म्स आर फाउंड इन थार डेजर्ट इन इंडिया। यस, डेजर्ट से रिलेटेड है ये। एंड दीज टू टू एंड्स ऑफ द बार्चन्स आर कॉल्ड द हॉर्न्स, कुछ इस तरह का होता है ना, तो ये जो इसके पॉइंट्स होते हैं एंड वाले, ठीक है, इनको बोलते हैं हम हॉर्न्स। ये गलत है, फालतू स्टेटमेंट है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इट्स हॉट वाटर कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बेदिंग एंड क्लीनिंग। सर इसका हॉट वाटर से कौन नहाएगा? नहीं यार, मैं खुद आया हुआ हूँ हॉट स्प्रिंग में, काइंड ऑफ वही है ना सकते हो, ठीक है। तो ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस था। वहाँ पे बच्चे ये जो ट्रैकिंग पे जाते हैं वो लोग खाना भी बनाते हैं इसी में। हाँ, अगर वहाँ पे मिल जाता है। हाँ तो हॉट स्प्रिंग्स बहुत है हिमाचल में भी, उत्तराखंड में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है। और हाँ, उसमें कुछ मेटल का पहन के नहीं जाना चाहिए, रिएक्शन करके ना उसकी वैल्यू थोड़ी सी ना वो एरोड हो सकता है, बस ये एक इशू है। वरना यस, यू कैन यूज इट फॉर बेदिंग एंड क्लीनिंग एक्टिविटीज, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो सर ये बताइए आप कि CAPF AC Mentors की टीम को कब लेके चलना है ट्रिप पर? पेपर तो होता है, अभी अभी इससे फ्री हुए एक बार, अभी एक दो दिन की चीजें लेके चलो सर हमें भी कहीं। अरे बिल्कुल चलो आंसर 69 का आपका बी है, 1, 2 और 3, ठीक है। सर ने बता दिया, सर का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तीनों ही बातें सही है इसमें, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स बहुत काम की चीज है, मेडिसिनल वाटर भी बोलते हैं इसको। मैं चलो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था अभी, देखो ये भी बहुत ज्यादा रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टॉकहोम मिनीमाता बेजर, कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुआ है ये सर। इसी CAPF में कम से कम, ऐसा नहीं कि अदर एग्जाम छोड़ सर, दो। CDS में भी रिपीट हुआ है ये। और मेरे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 17 या फिर 18 में ये आपका CSE में भी आया है, CSE में भी आया हुआ है, कुछ इस तरह का है ये। और जिसने ये वाला यहाँ कर दिया ना, गलत तो हो ही नहीं सकता, मतलब गुंजाइश ही नहीं है। आपको आप ऐसे क्वेश्चन देखे ना, इतने खुश हो जाओगे अपने आप में, यार अब मजा आया, अब इसको तो मैं गलत कर ही नहीं सकता। और जैसे ही आप 4-5 क्वेश्चन आगे जाएंगे, आपको एक और इसी तरह क्वेश्चन मिलेगा, तब तो आप बोलेंगे तो यार जैकपॉट लग गया, फोकट के 4 नंबर मिल गए। वही सर, सर जिसने भी गलत करा हो ना, आपके बच्चे ने, आपके स्टूडेंट ने, इसको लेके जाना वही ट्रिप पे हॉट स्प्रिंग पे, वही छोड़ के आ जाना, वही वापस नहीं लेके पड़ेगा। आना, वही लग रहा है मुझे, वही पे काम धंधा खुलवा देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर गाइस, एक बार स्टॉक होम कन्वेंशन। क्या सर? हाँ, स्टॉक होम कन्वेंशन इज द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, POP बोलते हैं इसको। मिनीमाता कन्वेंशन आपका बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन मरकरी, ये ठीक है, मरकरी से आप इसको याद रख सकते हैं। बेजल कन्वेंशन आपका ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट से रिलेटेड ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, एंड जो बच गया आपका वो फोर्थ का 1, हजार्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड, विच इज रॉटरडैम कन्वेंशन, ठीक है। सर कोई नॉइज तो नहीं आ रही है? नहीं, ठीक है ठीक है, चल रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। 71 पे चलते हैं, द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 में, ये केस किससे रिलेटेड है और
मतलब क्या से बताऊं मैं सर, उस 2005 से लेकर ना इसका इतना हल्ला मचा था, लगभग 2005 से लेकर आपका 2011 तक ऑलमोस्ट हर एग्जाम में रिपीट कर रहा था ये। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे, अब तो खैर वो बच्चा था। तो अच्छा, ये अगर सर, किसी को नहीं भी उस टाइम मतलब पता होगा ना आज के एग्जाम में, ये तो आरटीआई एक्ट हाँ 2005 को याद रहता है, 2005 में आरटीआई एक्ट आया तभी था। तो, तभी तो चिल्ला हाँ, चिल्ला थोड़ा के सा हम पूछ इससे रिलेट करके रहे भी। थे। हाँ ये 2004 में आया था, तो मतलब ठीक है, अगर किसी को याद ना भी रहा हो तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ठीक है, इजी अगर किसी ने प्रीवियस क्वेश्चन लगाए होते तो इजीली हो जाता है ये। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द हीबियस कॉर्पस, मतलब सर जजमेंट से दो क्वेश्चन है, आप ये देखिए ठीक बताओ, है, रिसेंटली ये बंद कर दिए थे बट वापस से चीजें वापस आ रही ना, मतलब इसका दो क्वेश्चन जजमेंट बैक टू से बैक। दो क्वेश्चन लगातार, और मजे की बात ये है कि सारे के सारे आपके ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। सर आप देखेंगे ना सर, कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं है ये, आपका हीबियस कॉर्पस हुआ जो आपका, या फिर आपका राइट टू इंफॉर्मेशन हुआ, ये फंडामेंटल राइट्स के उसमें ही आते हैं। तो आगे जब भी कोई ऐसे प्रिपरेशन करे तो वो ध्यान रखे कि इंपॉर्टेंट केसेस आपको वो फोकस करने हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स को लेकर डील करते हैं, ठीक और ये लक्ष्मीकांत है। में क्लियरली दिया गया है, और जो चीजें नहीं दी जाती ना हाँ उनको एडिशनली अपनी तरफ से आपको मेहनत करके 10-15-20-25-50 केस अलग से पढ़ने पड़ेंगे, इसीलिए बस। हालांकि दे रखा है लक्ष्मीकांत में ये वाला, दिया है, मैंने खुद इसका पढ़ा हुआ है। करेक्ट आंसर है बी, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत हाँ शुक्ला, दिस इज द करेक्ट यस आंसर। सर, ये आंसर सही है इसका। और 73 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्ट। जिसको ना पता हो 226 क्या है वो समझ लो, एक तरह का व्हाट इज आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट, सिमिलर टू आर्टिकल 226, इट इज सिमिलर टू 226 फॉर हाई कोर्ट, इस तरह से समझो। अब जिसने नहीं पढ़ा होगा गलत बात है, पढ़ना चाहिए आपको। और इसका आंसर जो है आपका 73 का वो है सी, द पावर कैन डेरोगेट द पावर, दिस पावर कैन गेट डेरोगेट द पावर कॉन्फर्ड बाय ऑन द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 क्लॉज 2। मोटा मोटा मैंने आपको यही रिलेशन दे दिया था, ठीक है, बिना स्टेटमेंट पढ़े इस तरह से आप इसको मार्क कर सकते हो। इसका आंसर जो है वो है सी, विच इज द राइट आंसर। विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। चार ऑप्शन पढ़ो, जो आपको लगता है गलत है वो आप मार्क कर दो, ठीक है। और देखो, लेजिस्लेशन ऑन द क्रिमिनल लॉ बारिंग एक्सेप्शन इज अ सब्जेक्ट अंडर कंकरेंट लिस्ट, यस इट इज। बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कंकरेंट, यस। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। क्या लगता है आपको जब दो स्टेट के बीच की बात होगी तो क्या वो स्टेट लिस्ट में दी जाएगी? अरे भाई मान लो अगर यूपी और एमपी के बीच की कोई बात है तो क्या उस पर केवल यूपी या फिर केवल एमपी डिस्कस कर सकता है, कुछ डिसीजन ले सकता है? नहीं ले सकता, तो स्टेट लिस्ट में इसका होने का कोई मतलब है ही नहीं। हैंस योर आंसर बिकम्स सी, इट इज अ डेफिनेटली रॉन्ग आंसर, ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ, ये आ गया सर आपका फेवरेट क्वेश्चन। हाँ, ये वही एक एक के बदले एक बॉल पे चौका, वही तो है ये। हाँ एक बार पढ़ के जाओ और दो नंबर सीधे कर लो, दो क्वेश्चन सीधे कर लो। मतलब किस तरह से इसमें डाल दिया ये समझ नहीं आया मुझे। बेजल, रोटरडेम, स्टॉकहोम, अभी आपने ऊपर सॉल्व किया, सिंपल सी हाँ बात है, उसको देख के मिला के भी आप कर सकते हो भाई। पॉल्यूट अगर नहीं भी आता होगा ना तो ये दिखेगा पॉल्यूटेंट की बात चल रही है ऊपर, तो वही होगा और क्या होगा। वही वही सर, आपने यूपी पीसीएस का पेपर देखा है कभी? वो सर जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो लगातार 5-6 क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे पूछ लेते हैं, उनके सबका आंसर एसडीजी होता है। इस बार का अगर आपने पेपर देखा हो कुछ, अगर टाइम मिला हो तो। देख तो नहीं पाया बट हाँ, वैसा मैंने पैटर्न देखा उनका भी, वो भी थोड़ा सा ज्यादा मेहनत से उस तरीके से नहीं करते हैं, बट यूपीएससी। लेकिन ठीक है, कैंडिडेट्स के लिए ये अच्छा हो गया, बट ये कुछ कट ऑफ भी ऊपर कर देता ना, वही बात, दो नंबर वही और सर, 4 नंबर मिल जाते हैं वे मतलब के। ठीक वही है, तो कोई नहीं, इसका आंसर है बट आपका बी, मैनेजमेंट ऑफ द पॉल्यूटेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 हो गया, कितने क्वेश्चन बचे हैं सर? 50 क्वेश्चन बचे हैं केवल, क्वेश्चन भी फिफ्टी बहुत पूछते क्वेश्चन हैं दो बचे घंटे हैं। में ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द मदर एब्सोल्यूट परफेक्शन, सॉरी एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, माँ, माँ एक प्रोग्राम था, इसके बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका आंसर है आपका सी, 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन ये
ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड नहीं था, सॉरी सॉरी, अरे यार मैं उल्टा बोल रहा हूँ, नॉट पूछा गया सर इसमें, नॉट पूछा गया है, ये ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड पोए था इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसमें आपके जो 1, 2, and 4 जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और आपका ये भी गलत है। नॉट मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है। 76 का आंसर है आपका सी। विल मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 77। फिर से सर आरटीआई एक्ट पर क्वेश्चन है 2005, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द आरटीआई एक्ट 2005 इज करेक्ट, ठीक है। तो और आंसर है आपका इसका बी, ठीक है। शैल नॉट बी मोर देन 12 CI, 12 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो आपका टर्म है वो 5 साल का होता ही है। और एक बात और, क्या नाम है, लक्ष्मीकांत में ये गिवन भी है, ठीक है, लक्ष्मीकांत में आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में मत ढूंढना ऐसे, थोड़ा ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पूछ लिया गया है। विच ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज द एलिजिबल फॉर दैट, नहीं रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है ये। तो आंसर है आपका 77 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं आप। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रो टाइम स्पीकर, ध्यान देना, प्रो टाइम स्पीकर, टू बी यूनानिमसली इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, एंड योर आंसर इज सोमनाथ चटर्जी, ठीक है। यही एकदम करेक्ट आंसर है, यूनानिमसली इलेक्टेड होगा ये, 2004 की बात है। अच्छा, मिलिट्स वाले में जो हमारे एक साथी हैं असिस्टेंट कमांडेंट ललित गौर, 3% में डाउट था, इन्होंने कंफर्म कर दिया है, इनके अकॉर्डिंग ऑल द 3 आर करेक्ट इनके हिसाब से। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो? क्वेश्चन नंबर कोई नहीं, हम इसमें कमेंट्स में पिन कर दूंगा, मैं अभी पीछे आने से फायदा नहीं है, उसको मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। और वो डिटेल आंसर क्या आएगी उसमें बता देंगे, है ना? ठीक है सर, ठीक है। 79 पर आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जैनिज्म, जैनिज्म के बारे में आपको पता। देखो यार, यूपीएससी का ना कोई सा भी एग्जाम सही, कुछ चीजें आप कभी मिस नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है, यू नीड टू नो अबाउट देम एट एनी कॉस्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट थीम है यूपीएससी की, ठीक है। तो अभी 79 का आंसर है आपका सी, बोथ 1 and 2। वर्धमान महावीर अटेंड कैवल्य जन आउटसाइड द टाउन ऑफ जिम जिम्भी, सर क्या पढ़ेंगे इसको, जिम्भी करगमा करिक जिम्भिका ग्रामा, जिम्भिका जिम्भिका ग्रामा, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रिजुपालिका एंड इन द फील्ड ऑफ हाउस होल्डर नेम्ड समाग। सर इतना पढ़ा मैंने, लेकिन ये मेरे को नाम कभी याद नहीं होते थे, इतने बड़े बड़े नाम हमेशा कंफ्यूजन होता था इनमें, नहीं है ही थोड़ा टफ रहता है यार। द स्टेट व्हेन द कर्म प्रैक्टिसेस एक्चुअली बिगिन टू फ्लो टुवर्ड्स द जीव टू बाइंड इट इज नोन एज अवसर, यस इट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, और 80 का आंसर है आपका, अरे इन्होंने क्वेश्चन छोड़ा हुआ, इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका बी, 1 पंजू पीली विच इज अ कॉटन यार्न एंड नूलायम विच इज अ कॉटन थ्रेड, ठीक है। ये थोड़ा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, गलत मैच है, यही इसका सही आंसर। लेकिन हाँ ठीक है, अब इतना हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे हैं उनको इतना सदर्न लैंग्वेज के बारे में ना पता होगा, गलत हो गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट आई डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि जो सदर्न इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बिल्कुल सही मार्क किया होगा, क्योंकि उनके यहाँ पर आज भी चलता है ये लोकल लैंग्वेज में पूछने बोलते रहते हैं, ठीक है। तो विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट कम, ध्यान दीजिए नॉट आया, नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ 4 नोबल एनिमल जिनको हम बोलते हैं महाअजन्य पशु कार्ड ऑन द राउंड डम अंड फलक ऑफ द लायन कैपिटल सारनाथ, कौन सा नहीं है ये बताना है। द आंसर इज डियर, ये नहीं है, ठीक है।
बाकी ये सब है, लायन भी है, बुल भी है, हॉर्स भी है। क्वेश्चन नंबर 82, द रूलर विंध्य शक्ति पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड प्रीसीडिंग द गुप्ता एज इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एंड योर आंसर इज वकाटक्स, ही वॉज अ वकाटक किंग। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 83, द एंशियंट इंडियन मेडिकल ट्रीटीज फॉर हॉर्सेस कॉल्ड अश्वशास्त्र इज एट्रीब्यूटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, जो बताना है कि अश्वशास्त्र से रिलेटेड कौन है जो हमारे इन ऑप्शंस में है, ठीक है? और आंसर है इसका द सेज ऑफ द सेज शलिहोत्र, शलिहोत्र बोलते हैं इनको, ठीक है? इन्होंने इसमें कुछ किया था, कंट्रीब्यूशन था पूरा पूरा। एक क्वेश्चन आ गया अर्थशास्त्र पर, एक आ गया अश्वशास्त्र पर, सारे शास्त्र पढ़ के ही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाते हैं हम। द सेलिब्रेटेड ग्रुप ऑफ पोइट्स इन द मिडिवल मथुरा एंड वृंदावन कॉल्ड द अष्ट छाप वर द सक्सेसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिडिवल भक्ति सेंट्स, इनके बारे में बताना है आपको कौन थे। और क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है आपका डी, सूरदास ऑफ ब्रज रीजन, सूरदास जो ब्रज। अरे भाई मत करो मैसेज यार अभी। 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लैटराइट सॉइल इज करेक्ट, लैटराइट सॉइल के बारे में ये बताना है वाला आप। भी, ये वाला भी रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगर प्रीवियस से 5 साल के भी किए होंगे, आई थिंक 18 में या लिटरेट के बारे में आया था, उसमें कैश्यू वगैरह की भी डिस्कशन था, बट इसमें नहीं है। हाँ थोड़ा तो अलग करेंगे ना, मतलब लेकिन वो ये करना पड़ेगा। यही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप पेपर देने जाओ कभी भी यूपीएससी का, तो आप मतलब एक बार सारे और एग्जाम्स के भी प्रीवियस देख के चले जाओ, उनके सर ऑप्शंस जो आपको दिख रहे होंगे ना और एग्जाम्स में, उनका क्वेश्चन बन के आ जाएगा आपके एग्जाम में, ऐसे हो जाता है, मैंने बहुत बार देखा है ऐसा। 85 का आंसर है आपका ए, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? 3 ओनली, इट इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, बाकी ये दोनों फालतू का ऑप्शन है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रागी क्रॉप ग्रोन इन इंडिया इज करेक्ट, आप देखो जिसको नहीं पता हो फिर से ये क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ से पूछना चाहिए था, ये पूछना चाहिए था आपको, क्योंकि आप बताओगे सर 2023 जो है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और रागी इज अ मिलेट, हैंस द क्वेश्चन ऑन रागी बनता यस, है वही मिलेट्स वाली बात फिर से आगे, सेकंड क्वेश्चन आ गया उसके ऊपर। ना, तो बनता है क्वेश्चन। बाकी जो और भी मिलेट्स है, अभी जरूरी नहीं, अभी खत्म नहीं हुए सारे, अभी सीडीएस भी आएगा आगे, उधर भी मिलेगा, बी रेडी। तो 86 में आपका रागी के बारे में पूछा गया है, इट इज अ रेन फेड क्रॉप ग्रोन ऑन रेड लाइट ब्लैक एंड सैंडी लोम सॉइल, इट इज डेफिनेटली अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रॉक स्ट्रक्चर, ठीक है? और इसका आंसर है आपका डी, जिसने भी लगाया है एकदम सही लगाया है, दूसरे नंबर का, स्लेट इज नॉन क्लास्टिक सेडिमेंटरी रॉक, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, बाकी तीन ऑप्शन सही है आपके, 1, 3 एंड 4, हेंस योर आंसर बिकम्स डी, 1, 3 एंड 4। सर किसी क्वेश्चन में आपको कुछ ऐड करना होगा तो मेरे को रोक दीजिएगा, श्योर श्योर श्योर। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रामसार वेटलैंड साइट्स इन इंडिया, इंडिया में रामसार वेटलैंड साइट्स के बारे में ये कुछ एक स्टेटमेंट्स हैं वो बताने हैं आपको। और गड़ी मदर हैबिटेट यस ये है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है और ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, सो मोदी भी, ये भी करेक्ट, भाई चारों सही है ऑप्शन इसके, ठीक है? आंसर इज डी, 88 का आपका है डी, ठीक है? 89 सर इसका सोर्स मिला आपको, मेरे को इसका सोर्स नहीं मिला। नहीं निशांत, इसका एग्जैक्ट सोर्स हमारे पास अभी नहीं है, बट एज ऑफ नाउ हम बी मान के चल रहे हैं। ठीक है, डाउटफुल है क्योंकि ठीक डायरेक्ट है, ये सोर्सेज तो नहीं डाउटफुल है, मिले, बट स्टिल इसका बी हम अभी के लिए लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर जिसने बी लगाया तो वो थोड़ा सा एज पे है, उसको मे बी मार्क्स मिल जाए। डिटेल्ड जो पीडीएफ आएगी विद क्वेश्चन उसमें एंड और रिसर्च सोर्सेज करके आपको पॉलिसी। आंसर दिया जाएगा। हाँ ठीक है, 89th अबाउट दिस लोकटक लेक ऑफ मणिपुर सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, मोस्ट प्रोबेबली ये इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी ठीक हम है, पॉडजुलाइजेशन, अभी बिल्कुल श्योर नहीं है। ठीक है, 90 की तरफ चलते हैं, ठीक
है, स्प्रिंग टाइड्स के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्प्रिंग टाइड्स, और इसका आंसर है आपका ये ठीक लगाया है इन्होंने, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, हाई टाइड्स इज हायर देन एवरेज हाई टाइड एंड लो टाइड इज लोअर देन द एवरेज लो टाइड। यस, ये भी हाई टाइड और ये क्या बोलते हैं, नीट टाइड रिपीटेड है सर, ये रिपीटेड है, ये भी मुझे याद रिपीटेड है। सर ये लड़का जिसने भी पेपर दिया ये ज्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं कर दिए इसके, एक तो ही क्वेश्चन गलत हुए हैं, ये पास है, ये पास है जो भी है, बाकी डीमोटिवेट ना हो जाए बस, ये है ऐसा ना होते, इससे आपको कुछ नहीं लेने देना है, ये अपने अपनी मेहनत है, ठीक है। बहुत तगड़ा पेपर कराया इसने, जिसने भी करा है, एक दो ही क्वेश्चन गलत हुए इसके। चलो 91 छोड़ के आया है। मेरे हिसाब से पहले बार आईपीएल वगैरह के लिए, आईपीएल नहीं पूछती यूपीएससी नॉर्मल ना, मेरे मैंने तो देखा नहीं आज तक, पता नहीं क्यों पूछा है। रणजी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ना, ये सब, ये कूच बिहार टेनिस, ये सब पूछ लेते हैं, ठीक है, ग्रैंड स्लैम्स वगैरह, बट आईपीएल क्वाइट सरप्राइजिंग, मतलब अब ये भी रखना पड़ेगा। हम तो सर क्लास में ये कह रहे थे बच्चों को कि ऐसा है आईपीएल फिर देख लेना, अभी पढ़ लो, अब आईपीएल पे क्वेश्चन आ गया, आप क्या करोगे। वो तो उल्टा पड़ गया, लेकिन ठीक है, इतना याद रहता नहीं जाता, वो अलग बात है, जो सीएसके का फैन होगा आई थिंक उसको तो बिल्कुल बैठा हुआ होगा ये। हाँ लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन सर आपको मिलेगा सीएसई, मैंने पेपर देखा था, ये आपको 2020 या फिर 2021 में आया था, वो था टेस्ट मैच के ऊपर, 21 21 में आया था वो, 21 में था, 21 में था, चलो टेस्ट मैच के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी देखो यार आईपीएल सबने देखा ही, अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, और इसको ज्यादा डिस्कस करना गलत बात होगी क्योंकि सबने देखा ही, बात तो किसी ने मानी नहीं है। आंसर इसका ए है, 1, 2 and 3, टू टीम्स वॉन द टूर्नामेंट 5 times ईच, बताओ कौन कौन सी, दूसरी कौन सी थी सर, ये तो नहीं थी, यही थी, ये मैंने इसमें नोट कराया, इसमें आपका सारांश में भी डाला हुआ है ये, ठीक है, नहीं मुंबई इंडियंस, यस ये सारांश में डाला हुआ है मैंने, और सीएसके, ठीक है भाई ये भी सही है, चलो फन क्वेश्चन था, लेकिन ये बच्चे खुश हो गए होंगे। हाँ मतलब आउट ऑफ द बॉक्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसमें आपको बताना है, अब हमने ये जानना है इसके बारे में, रॉन्ग तो नहीं पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द खेलो इंडिया, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं आपको इसमें, ठीक है, और इसका आंसर होगा आपका, फर्स्ट एडिशन उड़ीसा में हुआ था, यस ये पता है, ठीक है, और इस बार जीतू है अपना, द नेम ऑफ द मैस्कट ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ द KIUG वॉज जीतू, ठीक है यार, ये थोड़ा मतलब जब फर्स्ट एडिशन इससे पहले ही हो गया था, तो इसकी वजह से मतलब ये पोस्टपोन होने का मतलब नहीं है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आपका स्टेटमेंट आप 3 एलिमिनेट कर दोगे अगर, तो आपको बचेगा सी, तो आंसर 92 का है आपका सी, ठीक है। ध्यान रखना जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सेट नंबर डी की बात चल रही है, तो ऐसे भटकना मत, अपना पेपर लेके बैठना, ठीक है सर। ये तो आ गया आपका संक्षिप्त से डायरेक्ट, हाँ ये डायरेक्ट ही आया बिल्कुल, अजय वैद्य हमने कराई थी लक्ष्य डिफेंस का, आपने एक सेशन भी लिया था, तो ये क्वेश्चन बनना ही था, डायरेक्ट है सर ये तो, ठीक है ये तो सही है, ठीक है इसका आंसर ही माफ कर लो कि 93 का बी है। द जर्नी ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ सागर परिक्रमा यात्रा एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड फ्रॉम, गुजरात से था, ये आपको सारांश में मिल जाएगा इजीली, ठीक है। खीर भवानी मेला, ये थोड़ा मेरे को पता नहीं कैसे मिस हो गया मेरे से ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो है आपका वो है कश्मीर वैली, खीर भवानी मेला आपका कश्मीर वैली में होता है। निसार आपका ऑब्वियसली नासा इंडिया, ठीक है नासा का इन्होंने और इंडिया का जो जॉइंट वेंचर है ये निसार सैटेलाइट के लिए, उसका नाम इन्होंने निसार रखा है, तो ये पूछेगा ना कि इंडिया किसके साथ है, ठीक है ये भी आपको सारांश में ऑलरेडी मिलेगा। ये बहुत इजी था वैसे, अगर थोड़ा सा भी आप इजी भी था, नहीं भी पता होगा तब भी नॉर्मल कर सकते हैं। ऑपरेशन कावेरी सुडान, ये शायद मैंने वीडियोस में वीडियो में बताया था शायद। अच्छा मैंने 30 अप्रैल को ये कहा भी था कि पता नहीं क्यों अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है कि ऑपरेशन कावेरी पे ना कुछ आने वाला है, मे बी पेपर 2 की रिपोर्ट राइटिंग भी आ जाए, बट रिपोर्ट बोला था, हाँ रिपोर्ट तो नहीं आई, बट एटलीस्ट कम से कम ये तो है लोगों ने तैयार किया होगा अच्छे से, तो इजीली बन गया। मैंने जो अभी एक वो वीडियो ली थी ना ऑपरेशन के ऊपर, जो अभी डिफेंस टॉप 100 MCQ वाली जो ली थी उसमें था ये,
हाँ उसमें था नहीं, मतलब मैंने जो एक्स्ट्रा साइड इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें सुडान के उसके बारे में बताया था, कुछ बढ़िया और बढ़िया ऑपरेशन का बढ़िया। नाम दिया था मैंने और उसमें ये मेंशन कर दिया था। नहीं, लोगों ने कमेंट किया है कि हमारे वो 100 टॉप एमसीक्यूज वगैरह में से ना, सीए वाले में से बहुत डायरेक्ट टच हुए हैं और बहुत हेल्प मिली है, आया है बहुत मजा अरे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। रेल विकास निगम, देखो अभी क्या हुआ, किसी एक सीपीएसई को नवरत्न स्टेटमेंट मिला था, ठीक है, तो उसी से इन्होंने क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। रेल विकास निगम लिमिटेड इज आ, और आंसर है आपका इसका नवरत्न सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइज। कभी अगर सीपीएसई के फुल फॉर्म आ जाए डोंट बी सरप्राइज, एक बार तो इन्होंने सीएपीएफ में एमएसएमई की फुल फॉर्म पूछ ली थी, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइज, ठीक है, रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, ये हो गया निशांत, नाइनटी। सॉरी टू करेक्ट यू, सेंट्रल हाँ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मैंने और क्या बोल दिया सर्विस, सर? सर्विस निकल गया, ओ सॉरी सेक्टर सॉरी 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 सेक्टर। सॉरी, लिख देता हूँ भाई, सेंट्रल वरना कमेंट्स में पब्लिक कैंडिडेट्स बिल्कुल परेशान कर देंगे। अरे बहुत ध्यान से देखते हैं सब, मैंने छोटी छोटी चीजें पकड़ लेते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, राइट। यस करेक्ट करेक्ट। एक बार तो किसी ने भी स्पेलिंग पकड़ ली, बोले स्पेलिंग गलत लिखी है तुमने। मैंने कहा भाई लिखी है तो लिखी है, अब क्या करूं हो जाती है टाइपिंग एरर। ये आपको सीधा कंप्यूटर क्लासेस में, मैंने देखो सर कंप्यूटर से एक ही क्वेश्चन आया था और वो भी मैंने क्लासेस में कराया था, ठीक है, और इतना कोई टफ क्वेश्चन भी नहीं था, ये सुपर कंप्यूटर बताना, हाँ, ऐरावत, पाल, इस बार सिद्धि, एक ही प्रत्यूष। आया है ना, हालांकि हमने करवा दिया, अच्छी पिछली बात है, पिछली बट हाँ। बार आपके तीन क्वेश्चन थे, ठीक है, और इस बार एक ही क्वेश्चन आया है, पर अच्छी बात यह कि ये भी पढ़ाए हुए में से आया, डायरेक्ट पॉइंट है। मैं आपको जब सॉल्यूशन देंगे ना हम डिटेल्ड वाले, नहीं उसमें स्क्रीनशॉट लेकिन अटैच हाँ, करेंगे, तब अगर किसी को नहीं भी पता होगा ना तो फिर भी भी एक इजी बार के था, लिए वो हाँ कर सकता है। इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाते हैं, पूरी सेंचुरी होने वाली है हमारी, और ये क्वेश्चन सर मतलब बहुत ही मोस्ट टॉक्ड क्वेश्चन था जिस टाइम इन्होंने पहली बार ये किया था, सरकम नेविगेशन किया था ना जब उसमें, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप हैज रिसेंटली कंक्लूडेड अ 17,000 नॉटिकल माइल्स ट्रांस ओशियनिक कॉन्टिनेंटल इंटर कॉन्टिनेंटल वोयेज। इसको आप क्या बोलते हैं, सरकम नेविगेशन भी बोलते हैं, राइट सर, कि यस पूरी यस राइट राइट राइट। पृथ्वी का चक्कर लगा के आ जाते हैं जो, और जो सबसे पहले लेके आता है वही विनर बनता है इसमें, और इसका आंसर है INSB तारिणी, और ये मैं सही बता रहा हूं, जिसने भूले बिछड़े में भी कोई मैगजीन पढ़ ली होगी ना 2018 ऑनवर्ड, तब से न्यूज में है ये अभी का नहीं है, अभी मतलब इस साल भी न्यूज में है, क्योंकि अभी फिर से इन्होंने एक फिर से स्टार्ट किया था और अभी शायद कहीं आके लैंड भी कराया वापस, और लेकिन 2018 से ये न्यूज में है। ये क्वेश्चन गलत करना मेरे को लगता नहीं कि मतलब आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड अगर किसी ने ये गलत करा होगा तो। चलो क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं भाई, 100 क्वेश्चन पूरे हो गए, तालियां बजाओ मेरे लिए, मैं पानी पीऊंगा। बिल्कुल, आप पानी पीजिए। और ठीक है, जो एक ट्रेंड था यूपीएससी का डायरेक्ट करंट अफेयर्स पूछने का, वो तो काफी हद तक कम हुआ है, जहां हमें 15 से 20 क्वेश्चन इजीली मिल जाते थे, अब वो नहीं मिल रहा। तो अब आपको स्टैटिक पोर्शन बहुत आपका स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा 24 के लिए, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जो अब तक हम माइक्रो माइक्रो करते थे ना, वो ट्रेंड चेंज हो गया है, सबको माइक्रो पे इक्वली हाँ ध्यान पड़ेगा, बोले आपका सर सही आपका बात आपका काम बढ़ गया है अब। सर, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा सिर्फ एक बार करने से जरूरी नहीं है कि सब कुछ चेंज कर देंगे, क्योंकि फिर इसके अलावा इनके पास कोई और एग्जाम ऐसा बचता नहीं है जहां पर ये माइक्रो ना पूछे, है ना, एक हाँ, सीएपीएफ भी पीबीएस पूछते थे सीएपीएफ। माइक्रो, तो ये कह सकते हैं कि हम माइक्रो और मैक्रो दोनों करा सकते हैं अब, लेकिन इसको कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। सही बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई 25 क्वेश्चन और। एन इंडियन बिजनेस पर्सन बाय शेयर इन अ ब्रिटिश कार कंपनी, शेयर का ऑब्वियसली मैक्रो का क्वेश्चन है, ठीक है, दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन, यार ये कैसे गलत कर दिया, इसकी तारीफ कर दी मैं, गलत कर दिया इसने, बी बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड नॉट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, शेयर्स गए हैं तो सीधा सीधा आपका जो मनी का लेन देन हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि शेयर्स आपके एज सच मतलब कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं आते तो ट्रेड नहीं बोलेंगे वो उनको, क्योंकि सीधा मनी का एक्सचेंज होता है वहां पर, दैट्स व्हाई विल काउंट दिस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट नॉट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द सर मेरे ख्याल से इसका कुछ
वो था, डाउट था मेरे हिसाब से, इसका आंसर डी होना चाहिए। हाँ अभी क्लियर किया है हमने, इसमें जो सोर्स मिला है इकोनॉमिक सर्वे का सोर्स है, हम इकोनॉमिक डिटेल्ड सर्वे। पीडीएफ में वो स्क्रीनशॉट या वो जो पोर्शन है वो शेयर करेंगे विद द हाइपर लिंक इफ पॉसिबल। उसमें ये तीनों ही है, बहुत फर्क आया इस क्वेश्चन ने, बट फाइनली हमारी जो जुझारू जो हमारे खिलाड़ी हैं टीममेट्स हैं उन्होंने इसको ढूंढ निकाला, उनको हैट्स ऑफ। और तभी उन्हें मैंने काम पे लगाया हुआ था कि जब तक हम 102 पे पहुंचे इसका एग्जैक्ट मुझे चाहिए, ठीक है, चलो जितने कम से कम डाउटफुल रहेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो 102 का इट इज ऑल आर करेक्ट। तो जिस भी मेरे भाई ने ये क्वेश्चन ढूंढ के दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है, द विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर इन द इंडियन इकोनॉमी। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर आपके पावर कंजम्पशन, आईआईपी जनरल इंडेक्स एंड 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड, ये तीनों आपके हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के। एज सच याद रख लेना, मतलब इकोनॉमिक सर्वे से आया है इसलिए आपको जनरल जनरली पढ़ाया भी नहीं जाता इकोनॉमिक्स में। ठीक है, विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 103। सपोज एन इंडियन सिटीजन मेक्स, अच्छा सपोज सर कंडीशन दे रहे हैं, कंडीशन देके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तो नया पूछा इन्होंने सीएपीएफ में, यूपीएससी वाले भी मैं थोड़ा सा ये इवॉल्व भाई कर रहे हो हैं। रहे हैं, खुल रहे हैं अब। सपोज एन इंडियन सिटीजन मेक्स एन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड एंड अर्न्स अ पॉजिटिव रिटर्न ऑन हर इन्वेस्टमेंट, ठीक है ये अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, पार्टनर बट नॉट, क्यों नहीं गलत ही है, यहीं पे गलत हो गया ये। ठीक है, और विच हर इनकम इज अ पार्ट ऑफ द इंडिया, हाँ बिल्कुल है, इंडिया इंडिया के पार्ट है, नेशनल इंडिया नेशनल इनकम बट नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ये सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103, आंसर इज बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी सॉरी, इफ द सी आर आर कैश रिजर्व रेशियो इज लोअर्ड, सी आर आर अगर कम कर दिया जाएगा बाय आरबीआई तो मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा इकोनॉमी में। सर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बट सीएपीएफ से नहीं है, ये मेरे हिसाब से सीएससी में आया था, मुझे ऐसा लग रहा है, ये पता नहीं, सीएसई में आया 2021 है, में, 2021 शायद, 21 में है या फिर 20 में, ऐसे आया, ये शायद रिपीटेड आया क्वेश्चन जरूर है। है। हाँ ये ईयर पे आया हुआ मत क्वेश्चन जाना, है। ईयर पे मत जाना, बट आया है ये अभी रिसेंटली जो आया है, देवियों आया सज्जनों हुआ। आपसे विनती है कृपया ईयर पे ना जाएं, लो मैं ईयर लिख ही नहीं रहा, लो मैंने मिटा दी, पर ये आया हुआ क्वेश्चन है इतना याद रखना, क्योंकि हम लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं सारे ना हाँ, तो ये गलत नहीं होना इस वजह चाहिए था। से। ठीक है, तो आंसर भी सही लगाया भाई ने, इंक्रीज, ठीक है मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी जब सीआरआर आप कम कर देते हो ना, इसका मतलब कि आप बैंक्स को कम लिक्विडिटी अपने पास रखनी पड़ेगी, जब बैंक अपने पास कम रखेगी तो ज्यादा कहाँ रहेगा, ज्यादा रहेगा पब्लिक के पास। ठीक है, पब्लिक यानी कि मार्केट इकोनॉमी, तो हमारे हाथों में ज्यादा पैसा रहेगा तो फिर सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे समझो। बाकी डीप कॉन्सेप्ट है ये, और होपफुली आपको मैक्रो में आपने पढ़ा होगा, अगर कभी आपने मैक्रो पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी होगी तो फिर ज्वाइन सीएपीएफ, एसी मेंटर्स विल टीच यू। चलो क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन, ये भी रिपीटेड है सर, रिपीटेड एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, रिपीटेड भी है, और है, एसिड रेन तो आपको गलत नहीं कर सकते किसी भी कीमत नहीं कर पे। ये सकते भी कैसे, वो क्वेश्चन है जो आपको, मतलब जो आप काउंट ही मत करो कि आपको लीड बिल्कुल देंगे, ये तो आप गलत करते हैं, आपको पीछे खींच सकते हैं ये, है ना, इसको सब ठीक करेंगे। इसको गलत करना मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमोस्फियर, बचपन से टीचर मम्मी पापा दोस्त भाई बहन सब डराते थे कि पहली बारिश तो बाहर मत निकलना नहीं तो खुजली हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं आप। बायोगैस इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सीलेंट फ्यूल विच बर्न्स विदाउट स्मोक, यस इट बर्न्स विदाउट ये स्मोक, क्वेश्चन क्यों पूछा है ये बताओ। आप बताओ सर। बायोगैस का मतलब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है ये, मतलब क्या बच्चों कम मार्क रहेगा ये लोग की, बच्चे तैयारी करके नहीं आए होंगे, मतलब हम सर कुछ ये नहीं कुछ पूछे। एक ऐसे होते हैं ना मेरे भाई जो बोलते यार आप फॉर्म तो भर ही दिया है चलो दे आते हो, होते हैं ना कुछ एक ऐसे हाँ, कि चलो दे के आ जाते उनको हैं, मोटिवेट करने के लिए कि भाई तुम भी कुछ ऐसा नहीं है, तुमको भी थोड़ी बहुत खुशी हम तुम बुरा देंगे। ना लगे तुम्हें, दे आओ। जब बायोगैस है तो मीथेन तो भैया, चलो ठीक है इसका आंसर ए है, कोई मजाक नहीं करेगा। डिप्लीशन ऑफ एटमोस्फेरिक ओजोन लेयर इन द लास्ट, अरे सर क्या चल रहा है, ये पक्का यूपीएससी का पेपर है क्या, ये अब मजाक सा होने लग रहा है, अब मुझे कट ऑफ थोड़ी सी गिरती हुई दिख रही है जो मुझे इनिशियल मैं पूछ बता रहा रहा है। हूँ ये
ये जा रही है कट ऑफ, गिरती से बढ़ेगी कट ऑफ, ये जाएगी 135 अच्छा प्लस सॉरी जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, चलो अभी इसको डिलीट कर दो, अभी किसी को नहीं कुछ कहते हैं हम लोग, अभी थोड़ा सा रोकते हैं अपनी भावनाओं को, है ना। हाँ सही बोल रहे हो, अगर लेकिन लेकिन मैं पता क्यों कम क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है ये क्वेश्चन बहुत मतलब इजी भी नहीं बोलेंगे, उससे भी कुछ नीचे लेवल होगा तो वो बोलेंगे, बट जो कुछ टफ बहुत टफ क्वेश्चन पूछे ना, तो एस हो गया और लगातार वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जो कि एक तो सर एस वाला था, ठीक है, एक हाँ मेरे को ये माँ वाला कठिन लगा, ये ठीक है, लगा है माँ ना, का, ऐसे करीबन 10 से 12 क्वेश्चन है, तो उनको हाँ काउंटर ऐसे बैलेंस 10-12 करने के लिए, क्वेश्चन। काउंटर बैलेंस करने के लिए मैं भी ये पूछ लिया हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब आप यहाँ ये बॉर्डर पूछ वो सके। अर्थशास्त्र कोई मतलब ही हाँ नहीं है, और वो हवन वाला जो था, हाँ एक वो सिल्क थ्रेड वाला कोई था ना, कि वो पुराने टाइम मतलब में था वो। है, मतलब ये कह सकते हो सर आपकी जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आया ना, हाँ, हिस्ट्री के एक्सट्रीमली टफ साइड है और ये बहुत इजी होगा, तो एंशियंट, काउंटर बैलेंस हुआ है। हाँ ऐसा नहीं कि कट ऑफ दे आर बहुत बढ़ जाएगी। डेफिनेटली डिफिकल्ट, इनका क्वेश्चन मतलब वो नहीं है कि मॉडरेट मॉडरेट बोला जाए, दे आर डेफिनेटली और डिफिकल्ट। सोर्स भी नहीं सोर्स डायरेक्ट कोई, जैसे ये आप कैसे अपने, है सर, नहीं एनसीईआरटी में तो बिल्कुल नहीं है, ये नहीं नहीं एनसीईआरटी में तो नहीं है, ठीक है। नहीं अब आप टाइम मशीन में जाके पीछे पढ़ के आ जाओ तो फिर एक अलग ही बात है, जोक सपाट, ठीक है। तो आंसर वो है मेरे को इसका सर ए, सीएफसी। क्लोरो फ्लोरो कार्बन। द आंसर टू 108 विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फिर से फिजिक्स, नॉर्मल साइंस, कैसे गलत कर सकता है कोई, इट मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 109 पर आते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपको, पर मैं सॉल्व बिल्कुल नहीं करूंगा। साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज हैज अ वेवलेंथ ऑफ 35 सेंटीमीटर इन अ गिवन मीडियम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 2.1 किलोमीटर थ्रू मीडियम। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली सी, 3 सेकेंड्स, ठीक है, सही है ये एकदम। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सर 10th मतलब में था या 9th ये में है ये? बताओ, हाँ 9th या 10th में आई थिंक, और इसको गलत करना पाप है, महापाप है, सावन का महीना है, पाप लग जाएगा बहुत भारी, बोले ठीक है। ना हाँ खींच लेंगे पकड़ बिल्कुल तुरंत वहीं से, है ना, के, ये चलो तो भाई। बिल्कुल डायरेक्ट आंसर और था क्या इसका? सर ये लड़का पाप करके आया, क्या करें इसका? कोई नहीं, जहाँ इतनी तारीफ की थोड़ी माफी देनी चाहिए इसको, कोई बात नहीं, हो चलो जाता है। क्षमा करा इसे, आंसर इसका पहले सही लगाया भाई ने, फिर इसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, कैसे गलत करा। आंसर इसका बी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जितना नीचे से फोर्स लगा उतना ही ऊपर से लगा, मोमेंटम आपका कंजर्व हो गया, ऐसे समझो साधारण शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 111 पे आ जाओ भाई सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रियम्बल, सॉरी परमिएबल, क्या बोल रहा हूं मैं, परमिएबल रॉक दैट अलाउज द वॉटर टू पास आपने थ्रू इट। आपने पॉलिटी वगैरह भी मतलब बड़ी बहुत अभी तक दिमाग से, शायद प्रियम्बल ही, मुझे प्रियम्बल लगा पहले, वो पता नहीं क्यों, कैंडिडेट्स सर कहाँ लगा सारे होगा। सारे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के यहाँ पे वापस फिर से फिजिक्स पे आ गए, तो क्या ही होगा। अब परमिएबल रॉक बोल दिया है तो ये बोलने की क्या जरूरत थी, अलाउज वाटर टू पास, परमिएबल रॉक का मतलब ही यही होता है। चलो उसके बाद फिर इन्होंने आंसर भी ऐसे दे दिया है, इसका आंसर है बी, लाइमस्टोन। अच्छा जो लोग जिनके पास सेट ए बी और सी है, हो सकता है कि आपको ऊपर नीचे क्वेश्चन देखने पड़ रहे हो, तो गाइस प्लीज बियर विद अस, और आप इसलिए बहुत धीरे धीरे सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, कि आप आराम से क्वेश्चन ढूंढ आराम से कर कर सकते हैं, और मार्क जो कर सको। बंदा हाँ जो बिल्कुल सीरियस है, जिसको हर आपको अब तक तो हर क्वेश्चन याद हो गया होगा, ठीक है, उसको सब पता है कि ये क्वेश्चन कहाँ होगा, ठीक है ना, तो कम थोड़ा से कम टाइम दो टाइम से हाँ टेकिंग है, बट स्टिल हाँ थोड़ा सा प्लीज हमारे साथ ना इसमें क्योंकि कॉपरेशन सर कीजिए। दो से 3 राउंड तो लगते ही है एक पेपर को करने बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो इतने में क्वेश्चन आपको याद भी हो जाते हैं कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, तो प्लीज बियर विद अस। और कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप 1 घंटे बाद फिर से देख लेना इसको, और हमें अपने सही मार्क्स जरूर बताना। सर कहाँ पर मैसेज कर सकते हैं ये लोग आपको, बताइए, कमेंट्स मैं में लिखता बिल्कुल, हूँ, कमेंट्स को भर दो बिल्कुल, बताओ कितने बन रहे हैं इस आंसर की से, ठीक और है। ट्रस्ट मी इससे ऑथेंटिकेट आंसर की आपको नहीं मिलेगी। अभी जब रवि सर ने बोला है तो फिर बस पत्थर की लकीर है बात ये, ठीक है, इनका बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है इन एग्जाम्स में। अरे सर मुझे तो पता है, तो बच्चों को तो बताना चाहिए ना। नहीं विच वन बिल्कुल ऑफ द ऐसे होना फॉलोइंग चाहिए। इज द डीपेस्ट इनलैंड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, बताओ कौन सा हो सकता है। यार इसने सही आंसर लगा दिया, ये तो बढ़िया आदमी है। आंसर इज डी, विशाखापट्टनम।
ये लड़का पास होगा, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 113 पे आ जाओ। सर इनका रिजल्ट तो आज ही दे दिया आपने, इनका रिजल्ट तो है ना, ना ये सब ये पास है सर, 100%। इससे मिठाई लूंगा मैं, पता करूंगा किसका फॉर्म पेपर है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज, ये तो फिर वापस रिपीटेड है, एक बार आया था 17 या 16 में। यस इजी क्वेश्चन है सर, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज, जैसे सर ने बताया कि ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और क्यों होगा? क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में आपकी जो हीट वगैरह है वो काफी ज्यादा रहती है, ठीक है, बारिश वगैरह भी ठीक ठाक होती है, तो जिसकी वजह से सर्दी गर्मी बढ़िया माहौल बन के रहता है वहां पर, और काफी अच्छी ग्रोथ होती है सारी स्पीसीज की। दैट इज व्हाई वी हैव द ग्रेटर डाइवर्सिटी एट द ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड कट ऑफ के कमेंट्स आ रहे हैं, अभी हम एक इनिशियल टेंटेटिव कट ऑफ बताएंगे लास्ट में, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस क्वेश्चन हो गए हैं। कट ऑफ सर ये कैसी बात कर रहे हैं, इतना इजी पेपर, मैं तो सोच रहा हूँ कि ज्यादा ना बोल दूं मैं कहीं कट ऑफ। नहीं, डराना नहीं है। Which one of the following statements about drumlin is correct? Drumlin sir repeated है, CDS में आया ये, CDS से repeated question है। हाँ देखा तो हुआ है कहीं पे, I think CDS में ही होगा। CDS से repeated question है, इसीलिए देवियों सज्जनों आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जब आप सितंबर में CDS का एग्जाम देने जाएंगे तो कुछ मत करना, तो कम से कम 2018 से ऊपर के सारे CDS, CAPF प्लस CSE इनके GS के क्वेश्चंस पढ़ के जाना जो पेपर में आए हुए हैं। करंट अफेयर अपना इस साल का पढ़ लेना, ठीक है, पास हो जाएगी, नैया पार हो जाएगी आपके, विद ऑप्शंस पढ़ना अच्छे से। तो 114 का आपका आंसर ए है, इट इज स्ट्रीमलाइंड हिल मोल्डेड इन द ग्लेशियल ड्रिफ्ट ऑन द टिल प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 115 एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन वो बाद में बताऊंगा, पहले पढ़ ले दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी रूट and links to industrially developed region of the world is North Atlantic Sea Route। मतलब क्या इसको कैसे बताना चाहिए कि अगर आपने मोटा मोटा भी अगर कभी मैप से निगाह निकल गई होगी ना आपकी, या थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड ग्लोबली जो सुपरलेटिव्स है वो पढ़ लो, तो उसमें भी इसका नाम आ जाता है सीधा सीधा। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो 116 पे आते हैं, 116 क्वेश्चन पे, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है ये, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है, बहुत इजी, ठीक बहुत है, इजी क्वेश्चन है ये भी। और ये आपको सीएससी से रिपीटेड है सर, रिपीटेड क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर एक ही कमेटी बैठी है जिन्होंने आपसे हाँ, दो तीन साल पहले सेम क्वेश्चन घूम रहे हैं, सही बात है, दो तीन साल पहले बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए थे, 200-300 क्वेश्चन, और उन्हीं को अलग अलग फॉर्म में बार बार पूछे जा रहे हैं ये लोग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इन्होंने सही लगाया है, हम सर सी है इसका, सब्सिस्टेंस फार्मिंग तीनों स्टेटमेंट सही है इसके, ठीक है। और सर क्वेश्चन नंबर 117 करेंगे सर इसको सॉल्व। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉल्व कर रखा है हमने, यस करेंगे, बताइए सर आंसर, है ना, इसका 117 का सॉल्व है वो डिटेल में आएगा, अभी करेक्ट आंसर बता देते हैं, करेक्ट आंसर सॉल्यूशन विल बी इन डिटेल्ड आंसर की पीडीएफ, यस डिटेल्ड पीडीएफ एंड आई विल प्रोवाइड यू आंसर राइट अवे, और हमें बता रहे हैं अभी। ये जो कार वाला क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार ए इन केएम पर किलोमीटर पर आवर, इसका करेक्ट आंसर है सी 45 किलोमीटर पर आवर, 45 इज द करेक्ट आंसर, यस व्हिच इज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 टाइम टेकन वाला, टाइम एंड वर्क का आई थिंक, यस ये भी हमने कराया था, अभिषेक सर ने कराया है ये, इसका करेक्ट आंसर है यस यस 90 मिनट, क्वांट्स के ऑलमोस्ट 30 टॉपिक्स करवाए हैं बहुत अच्छे से, तो ये गलत नहीं। अरे 30 क्वेश्चन में सर बचा ही क्या होगा, फिर तो सब हो गया, 30 टॉपिक्स है इसमें, हाँ सब करवाया था ऑलमोस्ट, ठीक है, कुछ नहीं है yes. और इसके बाद ठीक है 119 119 का बताइए सर, इसमें था अपना क्या पूछा ये, इसका है आंसर ऑप्शन डी एनी फिक्स्ड डायरेक्शन, ये वैसे रीजनिंग वाला क्वेश्चन है क्या ये, इफ यू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट पी एंड अर्थ सरफेस अलोंग दिस डायरेक्शन, ये इसका डिटेल्ड हम आपको बताएंगे, अभी इसका करेक्ट आंसर है डी एनी फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है। देखो गाइस इनके सॉल्यूशन हमने बना लिए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ छोटी सी वीडियो में डिस्कस करना इशू नहीं, पॉसिबल नहीं, अपने अपने घर भी पहुंचना, रेस्ट भी करना है, ठीक है, तो आराम से देखना, आराम से भेजेंगे, कल तक करेंगे मे बी, आज सुना दें क्यों स्ट्रेस बढ़ाना, 120 हो गया, 120 करना अभी हमें, 120 का है जो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई की जो वैल्यू होगी 2701, भाई लड़का बड़ा सही है,
120 यहाँ इसका यहाँ आंसर। यहाँ आप मार्क्स लूज नहीं कर सकते हो। यहाँ करते ही मतलब क्वांट्स के सारे आने चाहिए, करंट अफेयर आपका होना चाहिए, पॉलिटी गलत नहीं कर सकते आप, ठीक है। कि कुछ चीजें ऐसी जो आपको गलत नहीं करना, रिपीटेड गलत नहीं कर सकते हो। तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है सर। 121 की तरफ बढ़ते हैं। जी सर, सिक्सटी इसका फोर है क्यूब्स इसका है बिकॉज व्हेन यू रिमूव वन क्यूब द ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड हैज फाइव न्यू सर्फेसेस, तो फोर एक्स्ट्रा सर्फेसेस आर ऑब्टेन्ड इन दिस वे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। इट इज मोर देन द सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज क्यूब, ऑफ कोर्स एक यस सौ यस बाईस यस एक सौ बाईस है सर आपके पास। 122 मेरे पास है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन द यूरोप ओ एस सी ई इज करेक्ट। और इसका आंसर देखो, देर आर टोटल 57 स्टेट्स फ्रॉम द यूरोप सेंट्रल एशिया। देखो ये एकदम बात सही है, ठीक है। टोटल 57 स्टेट्स हैं। इट निशांत, अब ऑफर्स अ, देखो ये वाला अब पूछ ले टफ। यूक्रेन में वॉर चल रही है, यूरोप बताओ। काफी हॉटस्पॉट है, लेकिन लोगों ने ये नहीं किया होगा, यही नहीं इशू रहता है ना। टफ टफ है, ये डेफिनेटली टफ है, क्वेश्चन है। बिल्कुल टफ है, बिल्कुल टफ क्वेश्चन है। यस प्लीज कंटिन्यू। और ऑप्शन टू जो है आपका, इट ऑफर्स अ फोरम फॉर पॉलिटिकल नेगोशिएशन एंड डिसीजन मेकिंग इन द फील्ड ऑफ अर्ली वार्निंग, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिहैबिलिटेशन। ये सही स्टेटमेंट है। और ये मतलब जो अभी सबने जैसे बताया कि रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए थे जिसमें से आपका एक ओ एस सी ई भी एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप बना है, कुछ कॉपरेशन सिक्योरिटी कॉपरेशन है ये, ठीक है। और प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रोवाइड मिलिट्री सिक्योरिटी इन द यूरोपियन रीजन। सबको नेटो बना डालेंगे, ये पता नहीं क्या चाह रहे हैं। तो तीन स्टेटमेंट सही है। और द डिसीजन ऑफ द ओसी इज लीगली बाइंडिंग। कहाँ रखे, कोई सुनता है आजकल? इतने सुनते अगर तो लड़ाई क्यों होती है, वॉर ही क्यों होते अगर इतना लीगली बाइंडिंग होते। सर बताइए। सही बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना था बस। चलो डी अच्छा देखो अगर सुनो, एलिमिनेट कर दो देखो मैं। अगर फोर भी निकलता है इसमें तो एटलीस्ट दो का ऑप्शन बचता हमारे पास, तो भी 50-50 चांसेस हो जाते हैं ना। हाँ बात तो सही है, चलो पता होना जरूरी था। तो आंसर इसका है बी, 1, 2 और 3। तीन क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वाड इज करेक्ट। मतलब 2000 कब से सर न्यूज में, 2020 के बाद से बहुत न्यूज में है ये, तभी बना था ना ये क्वाड, क्वाड उसके तो पता आसपास ही होना बना था, चाहिए, इंडिया मेंबर है तो उसको कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। कोई मतलब ही नहीं, आप छोड़ दो उसको, गलत कर दो। तो देखो जैसे कि यहाँ पे आया फ्रांस, तो बहुत ही कूद के आप फटाफट से इसको करोगे गलत कि फ्रांस नहीं है क्वाड में, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत। जैसे आप वन एलिमिनेट करोगे तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, टू एंड थ्री। इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं था आगे। कुछ पढ़ना नहीं था, एलिमिनेशन, सिंपल एलिमिनेशन सर। इन्होंने इसमें एलिमिनेशन दे दिया, बेचारे जो सीएससी वाले बच्चे थे उनसे क्यों दुश्मनी थी। चलो कम से कम वैसे मैच द फॉलोइंग तो नहीं आए ना कि मतलब कितने करेक्टली मैच है, वो वाला तो मतलब बहुत ब्लंडर हो जाता। मैं तो सर बड़ा मतलब खौफ में था, मैंने कहा पता नहीं पिछली बार बच्चों के साथ ऐसा हो गया। तो इस बार जो मैंने कराई थी सीरीज उसमें दे दिए मैंने क्वेश्चंस वैसे कि भाई देख लो हो सकता है आ जाए, पर नहीं चलो वो इनकी अपनी तरफ से किस्मत हमें अच्छी है। प्रिपेयर हाँ रहना चाहिए। इनकी किस्मत अच्छी थी, बच गई है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर द स्टैट्यूट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, प्रोटेक्शन ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1990, सेम है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, प्रोटेक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अच्छा, ये देखो हो कंफ्यूज करने सकता है के लिए। कि ये आपको कंफ्यूजन हुआ है जैसे कि मुझे अभी हुआ। तो इसका आंसर इंप्लीमेंटेशन वाला नहीं है, ठीक है, ऐसे याद रखना। आप कमीशन बनाने के लिए केवल आपको एक एक्ट की जरूरत पड़ती है, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए अलग एक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये तरह से एक तरह से ये समझो कि इम्प्लीमेंटेशन के एक्ट है ये। अगर आपके ये इस एक्ट से आपकी ये एनएचआरसी बनी थी तो ये दो एक्ट है ना जो, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हैं इसके प्रोविजंस को कि हाँ भाई अब एनएचआरसी बन तो गई, करेगी क्या, करेगी वो जो इनमें लिखा है, ठीक है। सो योर आंसर बिकम्स ए। कुछ ज्यादा गंदा नहीं हो गया, ये तो साफ कर दो। Yes, the correct answer is A, the करेक्ट Protection of आंसर इज Human Rights ए, Act. द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993 इज द करेक्ट आंसर।
मुबारक हो सभी लोगों को, आप आ गए लास्ट क्वेश्चन पर। अब बताओ कौन सी ये भी रिपीटेड ऑफिशियल है। लैंग्वेज नहीं है? रिपीटेड छोड़ो यस सर, मैं बचपन से वो यस पीता आ रहा हूँ, फ्रेस का। इसी हाँ से याद करा था मैंने, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, और ये कौन सी थी, स्पेनिश, और एक और थी आपकी अरेबिक। अब इसमें बतानी है आपको कौन सी नहीं है इसमें। तो आपकी नॉट ऑफिशियल ऑफिशियल पूछी गई है ना, तो इसका आंसर है आपका डी। सिंपल डी हो जाएगा। चलिए, ये इस लड़के ने क्या करा, इतना मुझे बड़ा कष्ट दे दिया लास्ट क्वेश्चन पे। कहीं ऐसा तो नहीं नॉट ना पढ़ा हो, बाकी पढ़ना चाहिए था इतना तो, क्योंकि नहीं देखो सर, टाइम। फ्रेस फ्रेस का नहीं पिया हो, ऐसा कैसे हो सकता है इसका। नहीं ठीक ठीक बात है, करेक्ट आंसर इज केवल इसमें जर्मन ऐसी है जो जर्मन नहीं ऑफिशियल। है। हाँ जर्मन नहीं है, जर्मन एक ऐसी लैंग्वेज जो नहीं है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और बहुत सिंपल सी नहीं बात है है, जर्मनी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, जर्मनी से वैसे ही खौफ खाए हुए थे वो, ठीक है जर्मनी वैसे कि भाई बहुत, सारे फसाद की जड़ यही है, तो उसको क्यों ही इंक्लूड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा अगर लॉजिक लगा लोगे सा तो। मतलब लगा लेते, लॉजिक तो हो जाता, पर रिपीटेड भी है, ठीक है। और जब आप आईआर कहीं पढ़ते हो तो मतलब पहली क्लास में यूएन के बारे में पढ़ाते हैं, तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बताते हैं, और थोड़ा अगर दिमाग लगा लेते तब भी ये हो जाना चाहिए था। आई डोंट नो कि ये गलत कैसे किया है इन्होंने भाई साहब ने, बट ठीक है। द आंसर टू द फाइनल क्वेश्चन इज डी, टू ओनली। सर आप बताइए कट ऑफ क्या लगता है आपको, पहले मैं आप लिखता हूं। पेपर का एनालिसिस बता दो एक बार, मतलब आपको अभी तक क्या लगा, किस लेवल का सर पेपर मैं है, बताता हूं, मैं लिख के बताता 2022 हूं से आपको। कैसे कंपेयर करते हैं। हाँ एक बार कर लीजिए वो। सर देखो, 2022 से ये था आपका टफ, और 2023 आपका कंपैरेटिवली, एकदम इजी तो नहीं पर कंपैरेटिवली ये इजी है, ठीक है। 22 से इजी लगा ना आपको यस कंपैरेटिवली। सर, इजी है। दूसरी आपकी इकोनॉमिक्स की बात अगर करें हम, इकोनॉमिक्स पे आते हैं, इन्होंने क्या करा, जो ट्रेंड रिसेंट ट्रेंड चेंज हुआ है, माइक्रो से ये शिफ्ट कर गए एकदम से मैक्रो पर, विच इज अ बिग चेंज, ठीक है सर। दूसरा, साइंस की लेगेसी एज इट इज मेंटेन्ड है सेम, एंशियंट हिस्ट्री टफ है, एंशियंट टफ थी, ठीक है, मॉडर्न के मॉडर्न थी ही नहीं, मॉडर्न थी सर, एक भी क्वेश्चन था, मुझे तो नहीं दिखा, मॉडर्न याद तो नहीं आ रहा, बट हाँ था ना मुझे तो वो नहीं दिखा, जो बुक्स थी, बुक्स लिखी थी वो मॉडर्न में ही काइंड ऑफ, देशर कथा, देशर और एक कथा वाला, रेवोल्यूशनरी फेज जो था उसका हाँ जो थी वो बुक एक था वगैरह। मतलब, लेकिन ठीक है वो उसको सर मान लो चलिए, पर हाँ एंशियंट डेफिनेटली टफ थी आपके, और इसके अलावा पॉलिटी पॉलिटी वाज मॉडरेट, ठीक है, इतना लेवल बनता भी है, लेकिन इन्होंने दिक्कत ही वाली बात है कि इन्होंने क्वेश्चन जो है वो कम कर दिए। साइंस के क्वेश्चन सेम रहे हैं लेवल, और क्वेश्चन इंक्रीज कर दिए हैं, एंशियंट के क्वेश्चन दबा के पूछे हैं इन्होंने, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके जैसे 8 से 9 क्वेश्चन आए हैं, और वो टफ की कैटेगरी में ही आएंगे सर। अच्छा एक और बात बताना चाहूंगा, इकोनॉमिक्स हमारे यहाँ पे निशान सरी करवाते हैं, और इस बार इनकी मतलब जो काबिलियत है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने साइंस भी, हम कोशिश करेंगे कि सर की जो क्लैरिटी है साइंस भी सर ही अपने तरीके से पढ़ाएं, और ये बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी संकल्प 2024 के लिए। चलो, और सर और क्या, और कौन सब्जेक्ट के बारे में जाएंगे सर? वो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हाँ एंड वो ज्योग्राफी, मैपिंग मैपिंग वगैरह भी थी। ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट प्लस मैपिंग। सर मैपिंग का 2 क्वेश्चन थे, एक तो बहुत घटिया था, एक तो बहुत टफ था, वन ट्रांस टफ साइबेरियन था वाला। हाँ, और वन वाज इजी, बाकी ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट इट वाज, मैं तो सर इजी कैटेगरी में रहूंगा क्योंकि मेरे को तो मतलब वो बिना पढ़े भी आते थे, बट हाँ अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहली बार पढ़ा हो, या फिर मतलब एग्जाम टाइम में वो कुछ गड़बड़ कर गई हो, दिमाग खराब हो गया हो उसका, तो मॉडरेट कह सकते हैं, बट टफ तो बिल्कुल नहीं थे सही बात है सही बात है। सर। स्टीप्स पूछ रहे हैं और वो फेल्ट पूछ रहे हैं, मतलब ये तो कांट इग्नोर इट, ठीक है। करंट के क्वेश्चन भाई देखो, करंट कम नहीं हो गया, देखो देखो टफ है, आज के दिन सबको टफ लगेगा, कई लोग कमेंट्स कर आज रहे तो हैं कि सर आप लगेगा, इजी इजी नहीं बोला हमने, हम इसको कंपेयर करें 2022 से, 2022 में हमें मतलब कंपेयरेटिवली थोड़ा सा इससे हमें लेवल ऊपर लगा था, इस बार अगर बहुत टफ पूछे तो बहुत इजी भी पूछे,
बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा भाई, इजी है, ठीक है। जिसने जिसने 2022 का पेपर देखा हो उसको जाके देखो, 5 या 6 क्वेश्चन फॉरेन डिफेंस इक्विपमेंट्स के थे और ऑप्शन भी बहुत ज्यादा वेग दिए गए थे जो। मिसाइल्स के बारे में था, बहुत अजीब से इस हाँ तरह क्वेश्चन जो नॉर्मली पता नहीं होंगे। अच्छा चलिए ठीक है, हाँ अभी अभी आप मे भी थोड़ा सा देखेंगे चीजों और को। जो जजमेंट के क्वेश्चन थे पिछली बार वो भी बड़ा अजीब से थे। मैथ्स बहुत ठीक इजी है। थी पिछली बार, ये बात अच्छा मानेंगे आप। मैं, अच्छा अगर अभी हम कट ऑफ की बात कर लें, ये तो हमारा एक खुद का एनालिसिस है, अभी चीजें और क्लियर होंगी, ये टेंटेटिव एनालिसिस हम कहेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि जो पेपर है बैठा उसको टफ ही लगेगा, ऑब्वियसली बात है, कभी भी आप बाहर ऑब्वियसली, ये निकलोगे देखो ऑफिस से, ये बात तो सही है। नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी मैं है। हाँ, जो अंदर बैठा बॉस से आएगा बाहर ना उसको, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा अरे क्या पेपर था, ऐसा कभी नहीं बोलेगा वो, क्योंकि उसके दिमाग में वो टफ क्वेश्चन ही घूमते रहेंगे, इजी नहीं घूमेंगे उसके दिमाग में, ठीक है। तो जो भी तो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं मैं बता देता हूँ कि हाँ मैं बाहर बैठ के कोई 50 बातें कर रहा हूँ कि कैसा पेपर है वैसे, लेकिन मुझे पता है कि जब एग्जाम में बैठते हैं डर हाँ लगता ये है, बस 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 गलतियां बस बस होती हैं, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि पेपर टफ है तो पेपर टफ था, लग रहा है पेपर इजी है तो पेपर इजी था। बस ये देख लो कि आपके लेवल का, आपकी तैयारी के लेवल क्या है। अगर मानो कि कट ऑफ जो आती है वो उसका आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो तो पेपर आपके लिए टफ था पर पेपर टफ नहीं था। लेकिन अगर आप कट ऑफ से बहुत ऊपर निकल जा रहे हो तो पेपर आपको इजी लगा पर और के लिए इजी नहीं था। इन चीजों का ध्यान रखें आप। अब थोड़ी सी कट ऑफ डिसाइड कर लेते हैं, जो हमें टेंटेटिव लग रही है अभी तक के हिसाब से, मेरी बाकी जी टीम सर। मेंबर से भी बात हो रही है, तो इसके जो वैकेंसीज की बात करेंगे, वो वैकेंसीज हैं 323 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सेम वैकेंसीज को हम कंपेयर कर सकते हैं 2021 से, जिसमें 330 वैकेंसीज थी, ठीक है। ठीक है। तो ये वैकेंसीज के मतलब तौर पे हम इसको थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। टफनेस 2021 की इजी थी इसके कंपेरिजन में, ठीक है, बहुत अच्छे से पेपर एनालिसिस किया था वो, तब उसमें कट ऑफ गई थी 138, 138, ठीक है, 138 थी। 138 गई थी 2021 में फॉर ओपन कैटेगरी, ठीक है, ओपन ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, ठीक है, पेपर वन की हाँ टोटल टोटल थी 226। तो पहले पेपर वन की बात कर लेते हैं एक बार ना, टोटल पे हम नहीं जाएंगे अभी, टोटल की हम ठीक अलग से है। सेपरेट निकालेंगे, वो एक बहुत अलग सा एनालिसिस का एक जरिया है, एक मतलब एक तरीका है, वो बाद में देखेंगे। तो 138 थी, इस बार पेपर टफ था, वैकेंसीज ऑलमोस्ट सेम है, कंपटीशन बड़ा है मानता हूँ, बट फिर भी मैं टेक लूंगा जिसके भी 125, 128, 128, 125 से 128 के बीच में है, 125 से 128 के बीच में है, वो पूरी उम्मीद कर सकता है, जिसके ज्यादा है वो तो देखो श्योर शॉट है ही, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। दिस इज फॉर अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, आपके 125 से 128 के बीच में अगर इसके प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, बशर्ते आपने पेपर 2 में कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना किया हो। सर उसमें थोड़ा स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि सर कट ऑफ क्लियर तो हो जाता है जिसमें, लेकिन सर बाद में फिर कष्ट हो जाता है ना। हाँ, केवल मेरली क्लियरिंग द रिटर्न एग्जामिनेशन इज नॉट एनफ, यू हैव टू बी इन दैट मेरिट लिस्ट, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो पेपर 2 आपका ठीक ठाक हुआ हो तो आपके इजिली फिजिकल की कॉल आपकी इजिली आ जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो अगर हम बात करें SC एंड ST कैटेगरी के लिए, तो यहाँ से हम 10 से 12 नंबर घटा सकते हैं, तो 115 से 118 फॉर SC एंड ST, ये हमारा प्रडिक्शन है, टेंटेटिव प्रडिक्शन, अभी हम और एनालिसिस करेंगे, डेटा दीज आर देखेंगे, जस्ट टेंटेटिव एंड आवर गैसेस, ध्यान बस बस रखना जो कोई हमने अभी पत्थर तक, की लकीर ना माने इसे, ना फिर हाँ, सिर्फ इसके पटकने लोगे आसपास सर होने आपने की कह उम्मीद है, दिया। अभी डेटा मिलाएंगे, बहुत सारा डेटा हम मांगेंगे गूगल फॉर्म्स हाँ के माध्यम से या किसी भी तरीके से, हाँ उसके बाद हम एक पॉइंट पे आएंगे। चक्कर ये है, हम कोई पोल रखते हैं ना, तो उसमें जिसके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं वो तो बताता है, लेकिन जिसके कम होते हैं ना वो पार्टिसिपेट नहीं करता, जो भी रीजन हो, क्योंकि वो चाहता नहीं यार क्या है पार्टिसिपेट करना यहाँ पे ना, उस तरीके से डिमोटिवेटेड रहता है, ठीक है। अच्छा, यूपीएससी को इंटू 6 मतलब 2000 बंदों का सिलेक्शन करना है फॉर फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है, फॉर 3 to 3 पोस्ट, अराउंड 2000 पीपल विल क्वालिफाई द रिटन पार्ट, तो 2000 टॉप 2000 मेरे हिसाब से ये कट ऑफ जस्टिफाई करती है, बाकी डिटेल हम बाद में बात करेंगे। और मुझे नहीं लगा किसी भी क्वेश्चन में ऐसा है कि भाई किसी को बहुत, वरना कमेंट्स की बारिश हो जाती है तक ना, कमेंट्स तो बंदे बंदे ऐसे बोलते थे सर ये कैसे कर दिया आपने, किसी को भी क्वेश्चन कोई नंबर ऐसा, 20 है जो मैं आपको बताऊंगा कि हो सकता है कि ये ड्रॉप हो, याद रखना। या इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, दो दो में से काम हाँ होगा, 20 नंबर क्वेश्चन एक इज काम पर होगा। सेट सेट डी का। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ, वो वाला जो मिलेट्स वाला है वो भी आई थिंक ऑल ही होना चाहिए, डेटा मिल गया है, ठीक सही है। सही एक सौ 102 क्वेश्चन था जिसमें जो इकोनॉमिक सर्वे से हमने उठाया है वो भी मिल गया इकोनॉमिक है सर्वे से है वो सोर्स मिल ना, गया उसका। तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमें, हमने शायद नहीं निकाला हो यहाँ पे, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपने मार्क्स जरूर कमेंट्स में बता देना, हाँ मार्क्स भी जो लोग, बताइएगा ताकि इससे हमें और एक क्लियर पिक्चर हो, आप बता हाँ, सके कि कितना कट ऑफ अगर अगर जाएगा। आपके कम आ रहे हैं तो अपनी जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो देखिए, डिमांड क्या कर रहा है एग्जाम वो देखिए, अपने रिसोर्सेज देखिए,
ज्वाइन करना, 24 के लिए बैच ज्वाइन करिए, पूरा एक साल है उसके लिए अभी आपके पास। अभी से आप जंग शुरू करेंगे तब जाके हो सकता है आपकी बहुत मतलब इतनी बढ़िया फतेह हो कि मतलब आप खुद ही बिलीव ना कर पाए कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया। मैंने ऐसे ऐसे लोग कुछ देखे भी हो जो सकता है। नब्बे क्या नब्बे मार्क्स से पेपर 1 में 202 मार्क्स तक ले गए हैं लोग, 202 आउट बात ऑफ कर थ्री रहे हो सर। फिफ्टी में हमारे खुद के एक नोन थे, प्राइम के मेंबर ही थे, हाँ आई थिंक पेपर वन टेस्टिंग भी ली थी उन्होंने, अभी वो सर्विंग है, अच्छा तो उनके 202 मार्क्स आए थे पेपर 1 में। ठीक है, तो ये पॉसिबल एंटायरली। हाँ यार, मार्क्स तो डिसाइड करते हैं सब कुछ। सही बात है सर। ठीक है, और पेपर 2 सब्जेक्टिव है, बट आप इसमें जितना खींच सकते खींचे। ग्रामर का डिटेल सॉल्यूशन हम लाएंगे बहुत जल्दी, हमारे पास आ चुका है भाई, असिस्टेंट कमांडेंट ललित गौर। सर एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि मतलब हमारे इन दोस्तों के लिए बाकी जो सब्जेक्ट्स है ना, जैसे मैथ्स वगैरह के हुए, इनके डिटेल सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कराइएगा सर, जरूर मतलब सॉल्व कराइएगा ऑनलाइन, ताकि हाँ, सब्जेक्ट वाइज हम इनको। करवाएंगे। यस यस, जी सर चले ओके फिर। निशांत, निशांत थैंक यू सो मच। अभी हम वाइंड अप करते हैं आई थिंक, है ना, बच्चों को भी रेस्ट करना जी होगा थैंक यू सबको। सो मच सर, चलिए, एंड ऑल द थैंक यू वेरी थैंक बेस्ट यू, गाइस। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और कोई इशू लगे तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट कि क्या इशू है, और अपने मार्क्स शेयर कीजिए हमसे। टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, @CAPFACMentor टेलीग्राम पे। बाकी चीजें भी हम प्रोवाइड करेंगे अभी ये इस बारे में। आप ऐसे लिख देंगे ना, हाँ, बस cabcmentor.com, ये बन ये है। जाएगा। आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी यस, डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड पे भी हम लोग, हमारे प्ले स्टोर पे ऐप भी है। ठीक है, चलिए, नहीं तो थैंक्स फॉर सीधा बीइंग गूगल विद पे अस। टाइप करना हाँ cabcmentor, आपको दिख जाएगा। ठीक है, थैंक यू यस, सो मच सर, थैंक यू, ऑल एंड द ऑल द बेस्ट, वेरी ऑल द बेस्ट बेस्ट, गाइस। थैंक यू निशांत।